स्टार्ट कर, तू मुझे ब्रेक में मिलना। स्टार्ट कर। ठीक, वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए तो एक लंबी सांस लो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। सो चलिए तो टैक्सेशन में इस बार उसके नीचे आपको सोचना नहीं है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज से आ जाओ फटाफट, मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है, बेटा बेटा कल यस यस, मैं जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है, कल कुछ रीज़न की वजह से आपको कॉल बैक नहीं हो पाया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप डाल देना ऐप पे देखो, लेकिन मैं क्वेरीज जो है अभी यूट्यूब पे ही एंटरटेन करूँगा। और आज सेशन के एंड में जो है आपने अपना ऑर्डर आईडी और प्रेफरेबल टाइम डाल देना, क्योंकि वो चार्ट कुछ रीज़न की वजह से डिस्प्ले नहीं हो पाई हमारे टीम को, तो आज एंडिंग में आपने डाल देना। मैं आज एश्योर करता हूँ कि आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको डिफरेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना है। आई होप आप घर पे 10 मिनट पढ़ रहे होंगे, और जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट अभी तो भी ध्यान दें। ओके, तो चलिए डायरेक्ट टैक्स लेवी किसके ऊपर, कमन 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 कनेक्ट, इनकम अर्निंग एक्टिविटी, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज, बर्डन पास ऑन नहीं होता है, पेएबल बाय पर्सन कंसर्न, ट्रांसफरेबल, एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, प्रोग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर। इनकम टैक्स कब पे होता है, आफ्टर रिसीप्ट ऑफ इनकम, तो ये पहले पे हो जाता है। कलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपैरेटिवली इजी है और एग्जांपल। उसके बाद में तीन आर्टिकल, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 265, 245 एंड 246। 265 कहता है कि टैक्स नहीं लगाओगे जब तक इंडिया में लॉ नहीं बनेगा, पहले आपको लॉ बनाना पड़ेगा, इज इट क्लियर। दो ऑथोरिटी है जो लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। उसके बाद में हमने पुराने टैक्सेस देखे थे, इसको कॉन्सेप्ट समझ गया, अब ये पेजेस को पढ़ना नहीं है और अपना टाइम भी एंगेज नहीं करना, लेकिन GST समझने के लिए ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ ये लिस्ट जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, आ सकता है एग्ज़ाम में कि कौन कौन से टैक्सेस GST में सब्स्यूम हुए हैं, इज इट क्लियर। ओके, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे GST आया एंड इनपुट टैक्स और ये सब कुछ ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए डिस्कस किया। हाँ, IGST ये डिस्कशन थोड़ा बता देता हूँ, कल हमने यहाँ पे IGST का एक स्पेशल डिस्कशन किया और ये डायग्राम ड्रॉ की थी। ये डायग्राम का सोल पार्ट समझ लो, ठीक है, आपको इतना डिटेल में मैंने समझाया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, IGST। पूरा कलेक्शन कौन करेगी, सेंट्रल, और फिर बाद में किसको देगी, स्टेट को, स्टेट के साथ अलोकेशन करेगी। ओके, पर कौन से स्टेट के साथ, बाय स्टेट, क्यों, क्योंकि फिर वो आगे क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, आगे क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, इज इट क्लियर। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर GST आर्टिकल 246A। ओके, ये आर्टिकल याद रखना इजी है,
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर सिक्स एट। अरे समझ में आया ना, तो अब याद रह जाएगा आपको। तो 246A ये जीएसटी का सोर्स एंट्री है। देन इसमें जीएसटी लगाने का पावर दिया गया था। अब इसमें से आपको मीन क्या याद रखना है, पांच आइटम मेरे साथ सभी रिवाइज करेंगे, जो ऑनलाइन कनेक्टेड वो भी रिवाइज करेंगे। चलो ठीक है, ओके बताओ यहाँ पे कौन से पांच आइटम्स है जो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस छोड़ के बाकी सारे डिफरेंट टाइप के गैसेस पे जीएसटी आएगा, फिर वो सीएनजी बोलो, एलपीजी बोलो, कुछ भी बोलो। इज इट क्लियर? सिर्फ नेचुरल गैस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ जीएसटी। ओके, उसके बाद में हमने ये देखा था कि यहाँ पे आर्टिकल 269A, ये क्यों लाया गया ये आर्टिकल, कि भाई आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा और ये लिख कर चाहिए वो अलोकेट किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा, स्टेट के साथ। ओके, इंपोर्ट पे भी आईजीएसटी लगेगा, हमने ये देखा। उसके बाद में गुड्स और सर्विस टैक्स की डेफिनेशन में क्लियर बोल दिया गया कि सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आ सकता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इज इट क्लियर? तो चलो अच्छा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कौन सा टैक्स है? स्टेट एक्साइज। आई रिपीट क्या? स्टेट एक्साइज और वैट या सीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद में चल वैट पर तो हमने डिस्कशन लिया था। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स आज से ज्वाइन हुए हैं, बेटा कुछ भी कर लो, रात को जागो, कुछ भी कर लो, सेशन नंबर टू और सेशन नंबर थ्री प्रायोरिटी पे देख लो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। आज कुछ भी कर लेना, ठीक है, 1.25 के स्पीड में देख लेना। ठीक है, तो 2x के स्पीड में देख लेना, पर सेशन टू एंड थ्री कंप्लीट कर लेना। डन, चलो अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन पे, और वो है टैक्सेस ऑन सम स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, थोड़ा आज का स्टार्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन है, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट होगा रिगार्डिंग टू क्रेडिट यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। सो आर यू रेडी? हाँ, स्पेशल टैक्सेस। ओके, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ पे पेन कहाँ गया? चल, अब मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, एक लाइन में कंक्लूड करूंगा, पर मैं देखना चाहता हूं कि आपका इंटरप्रिटेशन लेवल कैसा है और आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है। मैं ये चेक जरूर करूंगा, ठीक है। साउंड इज वेरी लो, साउंड सही आ रहा है? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, तुमको नहीं पूछ रहा हूं नालायक हो, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है आवाज क्लियर है बेटा? लीकर मैन्युफैक्चर इन महाराष्ट्र एंड सेल इन गोवा, दिन विच टाइप ऑफ टैक्स? एक्साइज एंड सीएसटी। एक्साइज एंड सीएसटी दर्शन वो लगेगा। चलो हाँ पाठो, बस हो जाना। और जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है सब क्लियर है बताइए? ऑल क्लियर, वेरी गुड। कुछ इधर भी है, इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, कुछ इधर भी है। हाँ चल, थोड़ा अगर आप ये डिस्कशन, प्लीज 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 डोंट डिस्टर्ब अवर क्लास। अगर आप ये चार्ट पे आते हो, आई थिंक पेज नंबर क्या है, नहीं थोड़ा पीछे 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 15, पेज नंबर 15 पे आते हो, तो ये आर्टिकल 246 जो
आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल देखो क्या कहता है, प्लीज प्लीज ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। लिस्ट वन, लिस्ट वन क्या कहता है देखिए, लिस्ट वन में एक्साइज की एंट्री, जीएसटी आने के बाद अगर हम पढ़े तो एक्साइज की एंट्री कहती है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स, ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया, एक्साइज ड्यूटी। ओके, और यहां पहले क्या था, अगर क्या चल रहा है, ओके, तो ड्यूटी ऑफ एक्साइज, प्लीज प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया नेमली पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जीएसटी आने के बाद अब एक्साइज ड्यूटी सारे गुड्स पे नहीं आती है, जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी, हमने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखे, कुछ याद आया ना, उस पे ही आती है। नाउ ध्यान देना, मैं आपके इंटरप्रिटेशन लेवल 2 मिनट का टाइम दूंगा, अदरवाइज मैं कंक्लूड कर दूंगा कि चीज क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं। एक्साइज ड्यूटी आज जो रहेगी वो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉल्ड एज क्या, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। लेकिन ये जो एटम है, ये एटम टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है एक्साइज में, ये समझ में आया, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दिया है एक्साइज में। मेरा सवाल आपसे क्या है, अगर आर्टिकल 246 ए में पढ़ूं, इंटरप्रिटेशन इंटर में इतना नहीं पूछा जाता है पर मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, देखते हैं आप क्या इंटरप्रिट करते हो। आर्टिकल 246 ए कहता है सारे गुड्स पे जीएसटी आएगा, ये समझ में आया क्या, ये 5 एटम छोड़ के, अब ये 5 एटम छोड़ के सारे गुड्स पे जीएसटी आएगा, इज इट क्लियर। और लिस्ट वन एंट्री नंबर 84 कहते हैं कि ये 5 एटम पे एक्साइज रहेगा और टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी एक्साइज रहेगा, व्हाट इट मींस, एक मिनट कोई वॉलेंटियर बताओ कि ये कहना क्या चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे, कोई वॉलेंटियर बताओ। यस सर, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट में खाली एक्साइज रहेगा, उसमें वैट और सीएसटी नहीं लग सकता, और इससे पहले जो 5 प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे उसमें वैट एक्साइज सीएसटी सब लगेगा, जीएसटी को, जीएसटी से पहले जितने भी थे। ठीक, कोशिश अच्छी की और मैं तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि मैंने जो पूछा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो समझा ही नहीं, और तुमको समझा है पर कोशिश भी अच्छी की है, पर बेटा सही नहीं है पर कोशिश अच्छी है। दो उधर, यस क्या कहना चाहते हैं सर, टोबैको पे जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। वेरी गुड, क्यों सर, क्योंकि उसमें बोला है कि बस 5 आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब इससे मैं ये इंटरप्रिटेशन लेता हूँ आर्टिकल 246 से कि 5 आइटम छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी लगेगा। यस सर, 5 आइटम छोड़ के, 5 आइटम छोड़ के मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स छोड़ के, मतलब टोबैको भी जीएसटी लगेगा। यस सर, यस और नो, क्योंकि 5 आइटम छोड़ के बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी लगेगा, यस और नो, तो सारे गुड्स पे जीएसटी लगा, आर्टिकल 246 से कहता है, मतलब टोबैको में भी जीएसटी लगेगा। और लिस्ट वन में ये जो लिस्ट वन पेज नंबर आई थिंक कितना 15 पे दिया है, ओके, लिस्ट वन में कहा गया है कि भाई ये टोबैको एक्स्ट्रा दिया है। अब देखो इसको कैसे इंटरप्रिट करना, सभी ध्यान दें, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब क्या लगेगा, एक्साइज, ये समझ में आया क्या, एक्साइज वैट और सीएसटी। लेकिन इसमें टोबैको टोबैको प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज भी लगेगा, इंटरप्रिटेशन समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज। सर क्यों, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तुमको अल्कोहल रखना है, स्टेट वालों ने कहा यस अल्कोहल हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, कुछ याद आया, तो चलो तुम अल्कोहल रखो, हम क्या रखते हैं,
ओके, तो जहां तक देखा जाए हम क्या रखते हैं, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी है। अब जीएसटी मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी है और एक्साइज भी है। सर आपको नहीं लगता है डबल टैक्सेशन है? हाँ सर, बट नो बट शर्ट ओनली जी, समझ में आया क्या? तो ऐसे सिचुएशन में टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे यहां जीएसटी और एक्साइज लगेगा। दूसरा, तो मैं उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अगर आप आगे आते हो तो उसका इंटरप्रिटेशन यहां पे लेता हूं। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको इज अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, अंडरलाइन अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, दैट इज जीएसटी इज लेवीएबल ऑन क्या, टोबैको। हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिटेन अ पावर टू लेवी क्या, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कौन सी गवर्नमेंट ने, यूनियन, यूनियन मतलब सेंट्रल एक्साइज। क्या कहा मैंने, सेंट्रल एक्साइज। ओके, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया रिजल्टेंटली अंडरलाइन टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। टोबैको पे दोनों लगता है, जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एमसीक्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके बेटा, एमसीक्यू जो है मैं अब अपडेट करूंगा, पहले चैप्टर होने दो, क्योंकि एमसीक्यू अपडेशन में है। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया आपके लॉगिन में चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपलोड हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए समझ लो, एक कंपनी है वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, और ये सिगरेट बना रही है। सिगरेट मतलब टोबैको प्रोडक्ट है, यस और नो? तो ये सिगरेट बना रही है, एग्जाम्पल लो, ये जब मैन्युफैक्चर कर रही है, आई रिपीट क्या कहा मैंने, मैन्युफैक्चर कर रही है सिगरेट, तो मैन्युफैक्चर किया मतलब कौन सा टैक्स लगा, एक्साइज। ओके, मैन्युफैक्चर किया कौन सा टैक्स लगा, एक्साइज। तो यहाँ ले लो वैल्यू 100,000, उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, एक्साइज ड्यूटी एट द रेट, एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 20% निकालो, 20% कितना हुआ, 20,000, टोटल कितना हुआ, 1,20,000। ओके, 1,20,000। अब इन एडिशन टू एक्साइज इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी। इधर क्लियर सभी को? इधर इन एडिशन टू एक्साइज कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी। जीएसटी में अगर ये इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो सीजीएसटी एट द रेट जीएसटी टोबैको पे 28% है, तो 14% निकाला, और एसजीएसटी एट द रेट क्या, 14%, कितना रहे, 16,800। ये आपका बिल बना, यानी ये मैन्युफैक्चर ने टोबैको बेचते वक्त एक्साइज भी लगाया और जीएसटी भी लगाया, डन। चलो अब समझ लो, ये होलसेलर है, होलसेलर को टोबैको बेचा गया, टोबैको प्रोडक्ट बेचा गया, वो आगे सेल कर रहा है किसको, रिटेलर, आगे रिटेलर को सेल कर रहा है। समझ लो आगे उसकी सेल वैल्यू है, और वो सेल वैल्यू 2,00,000। अब मुझे ये बताइए कि ये जो होलसेलर आगे सेल करेगा तो फिर से एक्साइज लगेगा क्या, नहीं, क्यों, क्यों, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर नहीं किया, उसने मैन्युफैक्चर नहीं किया। इज इट क्लियर, डन। तो क्या लगेगा, अब टोबैको पे सिर्फ एक्साइज है, वैट और सीएसटी नहीं है, वैट और सीएसटी की जगह कौन सा है, जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, टोबैको पे सिर्फ क्या है, एक्साइज, एक्साइज एंड जीएसटी, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में वैल्यू 2,00,000, और अब क्या टैक्स लगेगा, जीएसटी, तो लिखो सीजीएसटी एट द रेट 14%, और एसजीएसटी एट द रेट क्या, 14%, कितना आया, 14%, 28,000 एंड क्या, 28,000। ये आगे सेल हुआ और ये सप्लाई होके यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, डन। अब एक सवाल आपका आ सकता है, ध्यान से सुनना सभी जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी ध्यान दें,
कि सर ये बताइए, ये बंदे का आउटपुट टैक्स जीएसटी है, ये बंदे का आउटपुट टैक्स जीएसटी है और इनपुट टैक्स एक्साइज और जीएसटी है। हाँ है ना, इनपुट टैक्स एक्साइज और जीएसटी है। तो ये आउटपुट टैक्स जीएसटी पे करने के लिए क्या वो एक्साइज के भी सेट ऑफ ले सकता है? नहीं, ओनली जीएसटी का सेट ऑफ जीएसटी में मिलेगा, एक्साइज का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर एक्साइज का सेट ऑफ यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो सिचुएशन में क्या होगा? कैस्केडिंग, और टोबैको में कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। और गवर्नमेंट चाहती भी है, वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू ले रही गवर्नमेंट उसके ऊपर। तो क्रेडिट सिर्फ इसके ही मिलेंगे। अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये इनपुट टैक्स के ही आईटीसी मिलेंगे, इसके ही आईटीसी मिलेंगे। ओके, एक्साइज के यहाँ लिख दो नो आईटीसी, एक्साइज का नो आईटीसी, एक्साइज का नो आईटीसी। हाँ, जीएसटी का आईटीसी जीएसटी में मिल जाएगा। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, समझ में आया बेटा? यस और नो बताइए। समझ में आया होगा तो वाई लिखिए। चलिए आगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस बुक ओपन करो। प्रेजेंट कैसे करना, ये तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। अगर ये सवाल एग्जाम में आया तो प्रेजेंट कैसे करना, आपकी प्रैक्टिस बुक ओपन करो। प्रैक्टिस बुक ओपन करो। देखो, वजीर सुल्तान लिमिटेड, मेरे साथ आप क्वेश्चन पढ़ोगे। वजीर सुल्तान लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट सोल्ड द गुड्स टू बी लिमिटेड फॉर ₹2 lakhs। ओके, फर्दर सोल्ड द गुड्स टू सी फॉर ₹3 lakhs। कैलकुलेट एक्साइज एंड नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ वजीर सुल्तान लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। इफ एक्साइज रेट ऑन सिगरेट इज 20% एंड जीएसटी रेट ऑन सिगरेट क्या? 28%। सप्लाई इज क्या? इंट्रास्टेट सप्लाई। चलिए लिखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ, पहला पॉइंट लिखो, डू इट फास्ट। मैं डिक्टेट करता हूं, आपका ध्यान मेरे डिक्टेशन की तरफ होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी पेबल बाय वजीर सुल्तान लिमिटेड बाय वजीर सुल्तान लिमिटेड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। पर्टिकुलर्स में लिखो वैल्यू ऑफ सिगरेट, पर्टिकुलर्स में लिखना वैल्यू ऑफ सिगरेट ₹2 lakhs, वैल्यू ऑफ सिगरेट ₹2 lakhs। अ सेकंड टैक्स जीएसटी लगेगा या एक्साइज? एक्साइज, ठीक है। तो लिखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 20%। कितना आ रहा है? 40,000। टोटल करो 2,40,000। नीचे लिखो सी जी एस टी एट द रेट, आधा कर देंगे रेट को, एट द रेट 14%। ₹33,600 और एस जी एस टी भी 33,600।
ठीक है, ये तो हुआ टैक्स जो पे करना है। अब इसमें ध्यान रखना, हमने जीएसटी निकालने के लिए एक्साइज भी ऐड किया है। यस, देर इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, बट ऑन सर्टेन गुड्स, टोबैको वगैरह है कैस्केडिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए अब सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ, सेकंड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय मिस्टर बी लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय मिस्टर बी लिमिटेड अच्छा, बी लिमिटेड आगे सी को बेच रहा है, तो मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है या सिर्फ बेच रहा है? बेच रहा है ना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय बी लिमिटेड, लिखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस, लिखते जाओ। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? नहीं नहीं, 3 लाख, वैल्यू हुआ 3 लाख, और उसके ऊपर क्या लगेगा? एक्साइज, डायरेक्ट सीजीएसटी, लिखो सीजीएसटी एट द रेट 14%, सीजीएसटी एट द रेट 14% एंड एसजीएसटी एट द रेट 14%, 42,000, ठीक है, ये आया आपका। ये तो हुआ टोटल जीएसटी। अब तीसरा स्टेटमेंट बहुत है, बी का नेट, बी का नेट कैसे निकलेगा? आउटपुट माइनस इनपुट, ये समझ में आया क्या? आउटपुट माइनस इनपुट, लिखो थर्ड, थर्ड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड, ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने वजीर सुल्तान की नेट क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसका इनपुट दिया नहीं है, अगर दिया होता तो निकाल लेता। ये समझ में आया क्या? वजीर सुल्तान का इनपुट नहीं दिया है, इसलिए मैं नेट नहीं निकाल रहा हूं, दिया होता तो निकाल लेता। ओके, तो नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ किसका? बी लिमिटेड। प्रेजेंटेशन कैसा? ओके, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऐसा करो, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी इन रुपीस एंड एसजीएसटी इन रुपीस, लिखो। अब देखो एक नई टर्म आपके इसमें डालता हूं, एक तो आप आउटपुट टैक्स भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। समझ में आया क्या? एक मिनट, एक बार फिर से, एक तो डायरेक्ट आउटपुट टैक्स भी लिख सकते हो, या फिर टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ये मोर प्रिसाइज वर्ड है, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो लिखो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना? सीजीएसटी कितना है? 42,000 और SGST 42,000। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे कैलकुलेट करके आंसर मत बताना, जीएसटी में कैलकुलेशन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन। समझ में आया क्या? और आपके रिमार्क्स, ठीक है, वो आपने कैलकुलेटर पे बता दिया इतना, हाँ सर नीट 8,400। समझ में आया क्या? ओके, तो जहां तक 42,000 एंड फुट, लेस लिखो, लेस क्या? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नीचे लिखना टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई कितना आ रहा है आपका? 33,600 नेट, 8,400।
अब लिखो नोट्स. पहली नोट, यहां आपके मार्क्स है, यहां ये एरिया अब आपके एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा कि तुम लिख क्या रहे हो नोट्स. ठीक है, पहला, इन केस ऑफ सिगरेट दैट इज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी इज पेएबल. बताओ मैंने प्रेजेंट करते वक्त क्या चीज, क्या चालाकी यूज की. मैं वो इसमें गया ही नहीं, लिस्ट वन एंट्री फोर. अरे है ना, ये तरीका जिसको आ गया सीए एग्जाम उसके लिए बहुत इजी है कि वर्ड्स कैसे टेक्निकली ऐसे यूज करना कि हम कन्वे भी कर दे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाए भी ना. और यही मैं सिखाने वाला हूँ जीएसटी में आपको. ये समझ में आया क्या? तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बस खत्म, वी आर क्लियर. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड क्या, जीएसटी इज पेबल. सेकेंड नोट, आईटीसी ऑफ एक्साइज ड्यूटी नॉट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स. क्या बेटा? जीएसटी. अगेंस्ट आउटपुट टैक्स जीएसटी. डन. ये हुआ कंप्लीट हमारा प्रेजेंटेशन. आई होप यू अंडरस्टूड. यस, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है बताइए, समझ में आया बेटा आपको? वेरी गुड. बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट आ जाओ. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. बताओ एक बार इसके ऊपर क्या है अल्कोहलिक लिकर फॉर. पहले तो इसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल नहीं आता है. समझ में आया ना? जीएसटी बिल्कुल नहीं आता है. क्या? स्टेट एक्साइज और अगर सेल होता है तो वैट एंड सीएसटी. हाँ, एक काम करो, एक नोट लास्ट वाले प्रॉब्लम में एक नोट और लिख दो जो आपको बाद में याद आएगी. लास्ट वाला प्रॉब्लम मतलब कौन सा? टोबैको वाला जो हमने सॉल्व किया. थर्ड नोट लिख दो ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट. लास्ट वाले प्रॉब्लम में एक नोट और लिख दो ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. नो वैट एंड सीएसटी इज पेएबल. रेड पेन से अंडरलाइन करना. On tobacco and tobacco product, no VAT and CST is payable. Done? एक चीज याद रखो, जीएसटी आया तो VAT CST नहीं आ सकता. समझ में आया क्या? चलो अब आते हैं नेक्स्ट. अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इट इज आउटसाइड द रिम ऑफ जीएसटी. जीएसटी के स्कोप में नहीं है. On manufacture or production of alcoholic liquor, continue to be state excise duty and on interstate intrastate supply, CST and VAT. P4. Mr. Vijay Mallya engage in the supply of liquor and also provide airline services. वो बात अलग है कि अभी इंडिया में नहीं है. Example ले रहे. Calculate tax liability from following information. Supply of liquor for the month of April कितना है? 20 lakhs, excise rate 12 और VAT rate 12.5 और supply airline services 30 lakhs. अच्छा मुझे बताओ airline services जो है उसके ऊपर क्या excise वगैरह आएगा या GST आएगा? GST आएगा. और इसके ऊपर liquor पे excise और VAT. चलो लिखो. Calculation of tax liability. अच्छा चलो एक और देख तरीका बता दो कि कम
और प्रिसाइज वे में कैसा अपना मैसेज कन्वे करना। ऊपर वाले प्रॉब्लम मैंने क्या किया, ऊपर वाले प्रॉब्लम में कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी, तीन चार वर्ड्स बढ़ गए, पर उसको और शॉर्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बात खत्म। इज इट क्लियर? तो उसमें भी आप बहुत प्रिसाइज वे में जा सकते हो। देखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी tax liability of liquor, for the month of April, of Mr. Vijay Mallya. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज लिखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लिकर, कितना है? 20 लाख, 20 लाख। उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी, एक नहीं ऐसा लिखना, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट पे अंडरलाइन करना, मेरी बात समझ रहे हो आप, स्टेट पे अंडरलाइन करना, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्या लग, स्टेट एक्साइज ड्यूटी कितना? 12%, 2,40,000, स्टेट एक्साइज ड्यूटी 2,40,000, टोटल करो, या होने वाली मिस्टेक, स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्साइज और दूसरा वैट लगा देंगे, ऐसा मत करना, टोटल करना और टोटल पे वैट लगाना। इज इट क्लियर? उसके बाद में वैट लगाओ एट द रेट 12.5%, 2,80,000, 2,80,000, डन। ये किसका निकाला बेटा हमने? लीकर का। सेकंड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल, on airline services, tax payable on airline services, then or particular amount in rupees, mera wait mat karo, khud solve karo, particular amount in rupees, value of airline services, value of airline services 30 lakhs, क्या लगेगा बेटा इसके ऊपर? GST लगेगा। ओके, CGST, SGST 9.9% each, 9% each, डन। चलिए, एक बात मैं बता दूं कि मैंने ये जो है ना डायरेक्ट नोट्स नहीं लिए स्क्रीन पे, मैंने ब्रेक करके लिया है, क्योंकि इतना हेवी फाइल लेते हैं तो बहुत सी बार हैंग हो जाता है, इसलिए मैंने ब्रेक करके लिया है, तो आपको ट्रैक रखना है स्क्रीन पे क्या चल रहा है। इज इट क्लियर? स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि स्क्रीन पे कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने पूरा नोट्स एक साथ नहीं लिया है, मैंने ब्रेक ब्रेक करके लिया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं,
ओपियन इंडियन हेम्प अदर नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स. हाँ हाँ नोट्स और सॉरी 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 इसके पहले वाले एग्जाम्पल में नोट्स लिखो. आइदर आप ऐसा लिख सकते हो कि एज पर आर्टिकल 366(12)A, नहीं नहीं ऐसा लिख सकते हो, या फिर एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसा भी लिख सकते हो. मार्क्स दोनों में आ जाएंगे, ठीक है, मार्क्स दोनों में आ जाएंगे. तो लिखो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ GST. इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ GST एंड इट इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज. It is subject to state excise on production or manufacture. On production or manufacture. And VAT or CST. VAT or CST on intrastate or interstate supply. VAT or CST on intrastate or interstate supply. Second point, airline services is subject to levy of kya GST. Is subject to levy of GST. Done? चलो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं. नेक्स्ट ओपियम इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स लिखना होगा तो ओपियम इंडियन हेम्प हिंदी में लिख दो, चरस गांजा वगैरह, ठीक है, चरस गांजा वगैरह. लिखते वक्त भी इतनी खुशी हो रही, कौन है नालायक. तो यहाँ पे चरस गांजा वगैरह या नार्कोटिक्स ड्रग्स, क्या ये इंडिया में इसका प्रोडक्शन अलाउड है? हाँ, इंडिया में इसका प्रोडक्शन अलाउड है, बट इसके स्पेशल लाइसेंस लेने पड़ते हैं फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ये जो है यूज करने देती है ओनली मेडिसिन में या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में. आई होप यू अंडरस्टूड. अब लॉ क्या कहता है मैं आपको बता दूँ. लॉ ये कहता है कि यहाँ पे अगर ये शेड्यूल 7 लिस्ट वाला पेज नंबर 15 पे अगर आप आते हो तो लिस्ट 2 में, ध्यान सुनिएगा, आई रिपीट द वर्ड, क्या लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 51 में स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर और दूसरा क्या देख रहे हो आप, ओपीएम एक्सेट्रा, मतलब ओपीएम नार्कोटिक्स पे स्टेट को पावर आज भी है क्या लगाने का, एक्साइज. आई रिपीट, एक्साइज. तो स्टेट एक्साइज भी लगेगा और GST भी लगेगा. आई रिपीट द वर्ड, और क्या, GST. तो ऐसे दो प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए जिसके ऊपर एक्साइज और GST लगते हैं. बताओ कौन से दो प्रोडक्ट जिस पे एक्साइज लगे, टोबैको और ओपीएम नार्कोटिक्स. तो चलिए आ जाइए, ये देखो क्या कहते हैं, वापस हमारे डिस्कशन पे आइए. ओपीएम इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक्स आर विद इन द परव्यू ऑफ क्या, GST. अंडरलाइन. And GST is leviable on them. However, state government also retain a power to levy excise duty. State government ko aisa round karna. State government has retained the power to levy excise duties on such product manufactured in India. Resultantly, last wala pura underline karo. OPM Indian hemp narcotics wagere subject to GST as well as kya, state excise. As well as state excise. Is it clear? अब इसका प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम वैसे ही रहेगा टोबैको प्रोडक्ट जैसा, बस सेंट्रल के जगह स्टेट एक्साइज लगेगा. इज इट क्लियर? चलो यहाँ अगर जगह होगी तो
लिख सकते हो नोट, यहाँ जगह होगी तो लिख सकते हो नोट, है थोड़ी सी है, मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी है ना, तो वहाँ लिखो दिस गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू वैट और सीएसटी, दिस गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू वैट और सीएसटी, वैट और सीएसटी। नई जगह है तो मत लिखो बेटा, ठीक है, तो दिस गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू वैट और सीएसटी। अब नेक्स्ट आ जाओ, बताओ पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ नेचुरल गैस क्या है? जीएसटी नहीं है, आई रिपीट जीएसटी नहीं है, तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? सेंट्रल एक्साइज एंड वैट और सीएसटी। समझ में आ रहा है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर याद करना कैसे भूल जाएंगे, रिटेन हो पाएगा क्या? मेरे पे छोड़ो ना, अभी से इतना बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, इधर क्लियर, इधर मैं याद में करवा लूंगा, डन। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा तो अंडरलाइन नॉट लेवियबल टू जीएसटी, जीएसटी विल बी लेविड ऑन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मुझे बताओ पेट्रोलियम प्रोडक्ट कभी जीएसटी में नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसके लिए जिगर चाहिए, जिगर किसका जिगर चाहिए? सेंट्रल और स्टेट का। ये समझ में आया क्या? प्यार करना आसान नहीं, उसके लिए भी जिगर चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट, बट देर इज लेवी ऑफ क्या? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और दूसरा क्या? सीएसटी एंड वैट, सीएसटी एंड वैट। चलो ये भी क्लियर हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एंटरटेनमेंट टैक्स। हाँ, ये क्वेश्चन एंटरटेनमेंट टैक्स का, एक चार्ट ड्रॉ करना है, ये जो स्पेस दिया है वहां पे। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप सिनेमा एम्यूजमेंट पार्क कोई ड्रामा देखने जाते हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है? एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट टैक्स दो टाइप के होते हैं, लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट और लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लिखो सब्स्यूम इन जीएसटी, सब्स्यूम मतलब मर्ज कर दिया गया, सब्स्यूम इन जीएसटी, और ये क्या? नॉट सब्स्यूम इन जीएसटी, दैट इज इट इज पेएबल, दैट इज इट इज पेएबल इन एडिशन टू, इन एडिशन टू जीएसटी, दैट इज इट इज पेएबल इन एडिशन टू जीएसटी, डन। बताना चाहूँगा आपको, अगर आप आते हो पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे आओ, मैंने एक अंडरलाइन करने कहा था एंटरटेनमेंट टैक्स में, कुछ कुछ याद दिखा वहाँ पे? अगर पेज नंबर 10 पे ये डायग्राम पे आते हो तो आपको ये दिखेगा कि एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम हुआ, मतलब जीएसटी आने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा, पर कौन सा? अदर देन दोज लेविड बाय क्या? लोकल बॉडी, यानी अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एंटरटेनमेंट टैक्स होगा तो वो सब्स्यूम नहीं हुआ है, स्टेट वाला एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम हो गया। समझ में आया क्या? ओके, तो ऐसे सिचुएशन में वो इन एडिशन टू जीएसटी लगेगा, और ये हमने यहां पे देखा। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते तो और क्लैरिटी आपके मिल जाएगी। वहां पे अगर हम देखें तो आ जाओ वापस एंटरटेनमेंट टैक्स पे, एंटरटेनमेंट टैक्स पे वापस आ जाओ, प्रॉब्लम देख लेते। P5 आइनॉक्स लिमिटेड इज रनिंग सिनेमा थिएटर इन पुणे, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव चार्ज, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
ओके हैव चार्ज एंटरटेनमेंट टैक्स 2% ऑन क्या टिकट वैल्यू. Inox Limited have sold tickets of rupees 1,50,000 in the month of April. Calculate taxes levyable on entertainment services. GST rate is क्या 18%. लिखो, solve करो. चलो. Calculation of, do it fast. Calculation of GST payable. Calculation of GST payable. Sorry. Taxes payable. ऐसा करना. Calculation of taxes payable by Inox Limited. By Inox Limited for the month of April. सबसे मतलब merge हो गया. मतलब बेटा कि GST आने के बाद वो tax नहीं लगेगा. क्योंकि जीएसटी लग गया मतलब वो नहीं, वो जीएसटी में मर्ज हो गया. ठीक है, लिखो पर्टिकुलर्स एन अमाउंट इन रुपीस. अमाउंट इन रुपीस लिखो. वैल्यू ऑफ टिकट्स 2%. ओके एक मिनट पूरा लिखना. एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी, बाय लोकल बॉडी. एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी 2%. कितना है बेटा 3000. ऐड करो टोटल करो. उसके ऊपर जीएसटी लगाओ. जीएसटी 99 ईच, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. उसके ऊपर जीएसटी लगाओ, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ठीक है, कितना आ रहा है जीएसटी, कितना आ रहा है 13,717. चलिए 13,717 आना चाहिए आपका सी जी एस टी एंड एस जी एस टी. लिखो नोट. एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन entertainment tax levied by local body is not subsumed in GST, is not subsumed in GST. Hence, it is payable in addition to GST. Hence, it is payable in addition to GST. Done? Chalo. Last, real estate. Real estate, beta, immovable property hai? तो सेल और परचेस ऑफ रियल एस्टेट पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है, और वैसे भी वो जीएसटी में आ नहीं सकता क्योंकि जीएसटी गुड्स पे लगता है, और गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ये था रियल एस्टेट. इन दिस वे बेटा वी हैव कंप्लीटेड सम स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस में कौन कौन से गुड्स, एक बार सब मेरे साथ रिवाइज करें, कौन कौन से गुड्स. टोबैको, अल्कोहल, ओपियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट सर्विसेस और रियल एस्टेट. चलो इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, चार्ट बना लेंगे. यहाँ पे मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं छोड़ता हूँ, चार्ट भी बनाएंगे. फिर से कहता हूँ, हनुमान भी मैं ही बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तुम उड़ सकते हो. ठीक है, तो ये चार्ट आपको बनाना है, पर पहले मैं चार्ट समझा देता हूँ. टैक्सेबिलिटी ऑन गुड्स इन स्पेशल केसेस. देखो
कैसे सारी चीजों को कैसे रिटेन करना, मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। गुड्स टोटली आउट ऑफ जीएसटी, बिना देखे याद करो, जो जीएसटी में नहीं छे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल, अरे है ना, जो जीएसटी में नहीं छे, समझ में आया। गुड सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी, कौन कौन से है, टोबैको एंड ओके ओपियम नार्कोटिक्स, और बाकी सारे गुड्स अंडर जीएसटी, बात खत्म। तीन इसमें डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बताओ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए तो आज क्या लगेगा, मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज और सेल पे इंट्रा होती है तो वैट, इंटर होता है तो सीएसटी, इज इट क्लियर। उसके बाद में लिकर होगा तो स्टेट एक्साइज, कम ऑन, लिकर होगा तो स्टेट एक्साइज, वैट एंड सीएसटी। उसके बाद में टोबैको होगा तो मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी, फिर इंट्रा एंड इंटर। और अगर ओपीएम नार्कोटिक्स होगा तो स्टेट एक्साइज एंड जीएसटी, और बाकी सारे गुड्स अंडर द स्कोप ऑफ जीएसटी। चलो ये चार्ट बनाना है आपको। और कहाँ बनाना है तो आई थिंक पेज नंबर 18 ब्लैंक दिया है मैंने, पूरा बिंदास बनाओ, पूरा पेज यूज कर सकते हो, ठीक है, लो डू इट फास्ट। और स्टेटमेंट को कैच करो, वर्ड्स को नहीं, आपके पास गिनकर 3 मिनट है। कोई स्केल नहीं, कोई रेड पेन नहीं, सीधा सीधा फटाफट चार्ट बनाओ। ऐसा समझो कि एग्जाम का लास्ट 15 मिनट्स है। ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है।
डन। और एक बात बता दूं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है उनके लिए तो मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट लेने का और बाद में लिखने का, मतलब कुछ रह भी जाए तो बाद में कवर कर सकते हैं। मतलब बाद में यानी अभी के अभी लिखना है, पर स्क्रीनशॉट लेके। बेटा वो लीकर पे तो बेटा पहले से ही स्टेट एक्साइज है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही स्टेट एक्साइज है। और टोबैको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू अपने हाथ में रखा, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, क्योंकि कुछ गुड्स सेंट्रल ने अपने हाथ में रखे, कुछ गुड्स स्टेट ने अपने हाथ में रखे। आई होप इसी का आपको समझ में आया होगा। यस बेटा, पहले CGST ही लिखना है और बाद में SGST, ये प्रॉपर तरीका है। बस खत्म हो गया। ऊपर का हेडिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इन स्पेशल केसेस। टोबैको बेटा, टोबैको पे बस इतना ही समझ लो कि सेंट्रल एक्साइज और GST, ये दो टैक्स लगते हैं। ओके डन। चलिए, अगर किसी का रह गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे मोबाइल से ले लो। चलो, नहीं बेटा मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ। अब आपका इनकम टैक्स हो गया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत टाइम पास किया होगा, पर GST के लिए मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से या 40 मार्क्स के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आर्टिकलशिप में आपके बॉस आपको जरूर पूछेंगे क्लास कहाँ लगाया था। ठीक है। कि यहाँ पे चलो, अब आ जाइए आप GST काउंसिल पे। अच्छा, ये GST काउंसिल के बारे में हमारी बात हो चुकी थी। अगर आपने, मैंने तीनों सेशन में GST काउंसिल का इंपॉर्टेंस बताया कि सारे सेंट्रल और स्टेट को अगर साथ में लेके चलना है, और आर्टिकल 246A कहता है कि सेंट्रल एंड स्टेट मिलकर लॉ बनाएगी, तो उसके लिए एक काउंसिल बनाना जरूरी था जहां सारे डिसीजन लिए जाए। इसलिए एक बात बता देता हूं बेटा कि GST में बजट से ज्यादा GST काउंसिल मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बजट तो ठीक है, जो बजट आता है ईयरली आता है वो इनकम टैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर GST में GST काउंसिल मीटिंग जो हर महीने में, दो महीने में एक आधी बार बैठती है, वो उसमें ज्यादा चेंजेस होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट फ्लक्चुएटिंग लॉ ऑफ द इंडिया इज GST। क्यों? क्योंकि हर महीने में, कभी कभी दो महीने में एक बार GST काउंसिल मीटिंग बैठती है और पॉलिसीज डिसाइड करती है, और वो सारे चेंजेस इमीडिएट अप्लीकेबल करवा दिए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में GST काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, पर इसका बैकग्राउंड समझ लो। और दूसरी बात जो है, हाँ, सेकेंड वाला पार्ट, रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, ये प्रायोरिटी A+ पर रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले मैं GST काउंसिल बनता कैसे ये बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। अच्छा, GST काउंसिल कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ हाईलाइट कर दो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बनाएगा। द प्रोविजन रिलेटिंग टू GST काउंसिल केम इन टू इफेक्ट ऑन 12 सितंबर 2016। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द GST काउंसिल ऑन 15 सितंबर 2016। वैसे कुछ याद आपको रखना नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट फॉलोइंग मेंबर्स। जीएसटी काउंसिल में कौन होते हैं बताओ, आपने कॉमन सेंस से बताओ कौन? चेयरपर्सन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अरे है ना, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स और मेंबर्स। तो देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज अ चेयरमैन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ क्या, रेवेन्यू या फाइनेंस इज द मेंबर। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द क्या, मेंबर्स। ठीक है, मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल रेफर्ड इन क्लॉज सी अबव एज सून एज मे चूज वन अमंग देमसेल्फ एज अ वाइस चेयरमैन। चेयरमैन फिक्स है, बताओ कौन चेयरमैन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, वाइस चेयरमैन कौन होगा? तो स्टेट वाले से लेकर, स्टेट वाले बनाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ डिसीजन कैसे होता है? बाय मेजोरिटी। ओके, मोर देन और इक्वल्स टू 3/4 ऑफ वेटेज वोट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वैसे तो अभी जैसे हमने एक कल ही एक डिसीजन लिया जीएसटी काउंसिल ने कि भाई आई जीएसटी का रेवेन्यू सेलर स्टेट को देना, कुछ याद आया, या बायर स्टेट को। तो ये डिसीजन होता है 3/4 से ज्यादा वोटिंग पर। ये समझ में आया ना? 3/4 से ज्यादा वोटिंग पे। वेटेज टू सेंटर कितना दिया है? 1/3 यानी 1/3 सेंटर की रहेगी और सारे स्टेट की 3/4 रहेगी। ओके, नहीं सॉरी 3/4 वेटेज वोट है और नॉर्मल वोट है 1/3 एंड 2/3। दोनों में क्या डिफरेंस है? दिमाग मत लड़ाओ, हमें उसके पीछे जाना नहीं है। वो वेटेज वोट निकालते उनका एक तरीका होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके चलिए, बस ये आपके नॉलेज के लिए था, इससे ज़्यादा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में एक लाइन में बता दूँ तो जीएसटी में जो भी चेंजेस हो गए वो जीएसटी काउंसिल करेगा और वो मेजॉरिटी से पास होगा। जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा तब तक जीएसटी का पत्ता भी नहीं हिल सकता। आई होप यू अंडरस्टूड। तभी हम देख लेते कौन कौन से रिकमेंडेशन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल मेक अ रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट ऑन टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम होने चाहिए, ये रिकमेंडेशन पहली बार 2017 में आया था। उसके बाद अभी तक नहीं है कोई रिकमेंडेशन, पर 2017 में कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम होने चाहिए उसकी लिस्ट हमने देख ली थी, पेज नंबर 11 पे शायद। आई होप यू अंडरस्टूड कि सेंट्रल के कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए और स्टेट के कौन से हो गए। वो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड दिया कि ये टैक्सेस मर्ज कर दो। दूसरा, एग्जम्पशन इन जीएसटी। हाँ, जीएसटी में जो एग्जम्पशंस है वो काउंसिल जो गुड्स को एग्जम्पशन देगा या सर्विसेज को एग्जम्पशन देगा, सारे स्टेट और सेंट्रल उसी गुड्स और सर्विसेज को एग्जम्पशन में रखेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था गुजरात के गुड्स के एग्जम्पशन अलग, महाराष्ट्र के एग्जम्पशन अलग, दिल्ली के अलग। अब नहीं, अब कॉमन और यूनिफाइड पॉलिसी चलेगी ऑल ओवर इंडिया। कौन कौन से गुड्स पे एग्जम्पशन देना है, कौन कौन से सर्विसेज पे एग्जम्पशन देना है, वो काउंसिल में फिक्स होगा और पूरे इंडिया में सिर्फ इसी गुड्स और सर्विसेज पे एग्जम्पशन दिए जाएंगे। कोई भी मनमानी नहीं करेगा, जस्ट टू अट्रैक्ट इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, मतलब जीएसटी लॉ कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ लेवी क्या होनी चाहिए, अपोर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडर आर्टिकल 269 है एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो जीएसटी लॉ कैसे होना चाहिए, उसके बाद में आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट कैसा होना चाहिए इनकेस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। नेक्स्ट, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। ये सब्जेक्ट जब समझाओगा तब और आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थ्रेशोल्ड लिमिट, अब ये थ्रेशोल्ड मतलब फिक्स लिमिट। मुझे बताओ इनकम टैक्स में कितनी लिमिट तक टैक्स ही नहीं लगता है? यस, इनकम टैक्स में कितने लिमिट तक टैक्स ही नहीं लगता है? 2,50,000, वो थ्रेशोल्ड है, वो फिक्स है कि इतने लिमिट तक जहां तक है टैक्स नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। वैसे जीएसटी में भी, अब थोड़ा मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं सबका ध्यान चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर एक कॉन्सेप्ट के लिए डोर बांध रहा हूं। अगर ये डोर आपकी स्ट्रांग होगी तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा। आपका सभी का ध्यान चाहूंगा जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, पूरा ध्यान दे। इनकम टैक्स में 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन दिया है,
जिसकी इनकम 2.5 लाख या उससे नीचे होगी उन्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? वो अपनी डेली नीड पूरी नहीं कर सकते तो टैक्स कहां से देंगे? अरे हाँ, है ना, तो वो तो पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा। आईडीटी में भी थ्रेशोल्ड है, जीएसटी में भी थ्रेशोल्ड है, और जनरल थ्रेशोल्ड है 20 लाख रुपए। आई रिपीट द वर्ड, क्या? 20 लाख। छोटे बिजनेसमैन वालों को 20 लाख तक के टर्नओवर तक जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, लर्न करना। ओके, ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख या उससे नीचे है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। समझ लो, नीचे जो है यहाँ पे एक बड़ा स्टेशनरी शॉप वाला है जिसका टर्नओवर 80 लाख है और उसके बाजू में छोटा स्टेशनरी शॉप वाला है जिसका टर्नओवर 10 लाख रुपए है। तो जो बड़ा स्टेशनरी शॉप वाला है वो आपको बिलिंग पे क्या लगाएगा? जीएसटी। पर छोटा स्टेशनरी शॉप वाला जिसका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है वो आपको जीएसटी नहीं लगाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आ सकता है, सर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो पास ऑन होता है, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन होता है तो इसमें बेसिक थ्रेशोल्ड देने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि रीजन यहां पे ये है, इनकम टैक्स में तो चलो सर इनकम है, इनकम ही कम है, पेबल बाय पर्सन कंसर्न, तो वहां एग्जम्पशन दिया समझ में आता है। पर यहां पे ओके, छोटा भी बिजनेसमैन होगा तो भी प्रॉब्लम क्या है? वो बर्डन तो पास ऑन ही करेगा, तो उसको थ्रेशोल्ड क्यों दिया? गवर्नमेंट अपना लॉस क्यों कर रही है? ओके, दो चीजें हैं। पहले तो छोटे बिजनेसमैन का थ्रेशोल्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उनको जीएसटी के कंप्लायंसेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड। और गवर्नमेंट अपने एंगल से भी सोचती है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि यहां पे कुछ लोगों से टैक्स कलेक्ट करना भी सरदर्द है। ये समझ में आया क्या? इनके पीछे लगना भी सरदर्द है, इनके पीछे लगने पर जितनी कॉस्ट गवर्नमेंट की लग जाएगी उसके हिसाब से रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आएगा। समझाए नहीं? अब समझ लो, यहां पे नीचे वड़ा पाव वाला है, वो भी सेल करता है, वड़ा पाव बना के वो भी सप्लाई करता है, लीगली देखा जाए तो उस पर भी जीएसटी आना चाहिए। अब इमेजिन करो वड़ा पाव वाला टैक्स इनवॉइस बना रहा है कंप्लायंस। ओके, जैसे आप गए वड़ा पाव देना, रुको बेटा टैक्स इनवॉइस ऐसा प्रिंट निकल रहा है, टैक्स इनवॉइस सीजीएसटी और सीसीडी वाला बनाए तो बात अलग है, केएफसी वाला बनाए तो बात अलग है। अरे है ना, अब ये वड़ा पाव वाला टैक्स इनवॉइस बना रहा है, आपको टैक्स इनवॉइस दे रहा है, इमेजिन द सिचुएशन। फिर वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, आज एक वड़ा पाव सेल हुआ, फिर वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है, मंथली रिटर्न में GSTR 1 GSTR 3 भी उसमें डिटेल दे रहा है, वड़ा पाव सोल्ड B2B B2C। ये B2B क्या रहता है पता है? बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C। अब बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या? वड़ा पाव वाले से वी स्मार्ट ने लमसम 400 वड़ा पाव बुलाए तो ये B2B हुआ। और तुम जा, ये B2B हुआ और ये B2C मतलब कस्टमर ले रहा है। वड़ा पाव वाले के पास इतना टाइम नहीं है, वो कंप्लायंस करने वाला नहीं है। अब इमेजिन द सिचुएशन कि अगर IDT में थ्रेशोल्ड नहीं होते हैं, सुनना ध्यान से, IDT में थ्रेशोल्ड नहीं रहते और एक एक रुपए पे GST लगता, वो वड़ा पाव वाला अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं, और वो वड़ा पाव अपना ले रहा है, बेच रहा है, ले रहा है, बेच रहा है। एक ऑफिसर उसके ठेले पे चले गया, कहा आप वड़ा पाव बेच रहे हो? आर यू सेलिंग वड़ा पाव? बोलेगा हिंदी में बोलो या मराठी बोलो। ओके, तो वड़ा पाव बेच रहे हो? उसने कहा यस मैं बेच रहा हूं। क्या आप GST दे रहे हो? है? क्या GST दे रहे हो? ओके, वो कहेगा कौन सा GST? ओके, तो ऑफिसर ने कहा नहीं नहीं आप इतना वड़ा पाव बेच रहे हो GST लगेगा। ऑफिसर गया अपने ऑफिस में जिसको सैलरी 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना है। ओके, वो वड़ा पाव वाले की नोटिस प्रिपेयर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड,
पहले नोटिस प्रिपेयर करेगा, शो कॉज कारने दाखवा. अरे नहीं समझा. तो वो शो कॉज नोटिस प्रिपेयर करेगा किस पे? वड़ा पाव वाले पे. शो कॉज व्हाई नॉट टू लेवी जीएसटी ऑन योर सेल ऑफ वड़ा पाव. अब वो वड़ा पाव वाला सेल नहीं कर रहा है, सॉरी वो जीएसटी नहीं दे रहा है सेल करने पर. ओके शो पिछले पिछले छह साल का नोटिस उसके ऊपर निकाला. अब वो ऑफिसर ने क्या किया, वो ऑफिसर ने जब वड़ा पाव के ठेले पे गया तो वो देख लिया कि कितने कागज या कितने कटोरे वहां पे है, समझ में आया क्या? और वो देख लिया तो उसने एक रफली गिन लिया कि दिन का 200 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, अपना असेसमेंट कर लिया. इसको कहते हैं हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. ऑफिसर को जो बेस्ट लगेगा वो जजमेंट करके असेसमेंट करेगा. अरे है ना. तो उसने अपना कैलकुलेशन कर लिया कि इतना आपको टैक्स लगेगा. ओके और वो टैक्स नहीं दे रहा है इसलिए. ओके अब शो कॉज व्हाई नॉट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लास्ट 5 इयर्स टैक्सेस. शो कॉज व्हाई नॉट टू इंपोज 100% पेनल्टी ऑन यू. शो कॉज व्हाई नॉट टू कॉन्फिस्केट योर वड़ापाव. शो कॉज व्हाई नॉट टू कॉन्फिस्केट योर ठेला. अरे समझ में आया ना. शो कॉज व्हाई नॉट टू अरेस्ट यू. फ्रॉड करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है. अब वो पकड़े गया तो पूरी बारात आ गई. बारात में टैक्स है दूल्हा, पेनल्टी इंटरेस्ट फाइन कॉन्फिस्केशन अरेस्ट है बाराती. दुल्हन तो अभी दूर है. तो जहां तक देखा जाए, ओके भेज दी नोटिस वो वड़ापा वाले के पास. अब देखो जिसको 2 लाख रुपए सैलरी, वो अपना टाइम कहाँ एंगेज कर रहा है? वड़ापा वाले पे, वड़ापा वाले पे एंगेज कर रहा है. ओके वड़ापा वाले को समझ में नहीं आया, अनपढ़ है. नोटिस आई, एक कस्टमर आया, भाई एक वड़ापा देना. एक वड़ापा दे रहा, दे दिया, गई नोटिस. अरे समझ में आया. अब नोटिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑफिसर ने, भाई हमने बताया कारण बताओ, कारने दाखवा, और कोई रीजन नहीं आया. अब तो करते ऑर्डर फाइनल, समझ में आया क्या? ये डिमांड ऑर्डर फाइनल हुई कि आपके अगेंस्ट में ये जो है अभी तक का 55 लाख रुपए देना पड़ेगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिला के, और हम आपका ठेला कॉन्फिस्केट कर, कॉन्फिस्केशन मतलब जब्ती, हम ठेला और वड़ा पाव कॉन्फिस्केट करने वाले हैं. और ये ऑर्डर आया, ऑर्डर आया, उसको लगा कुछ तो भी गवर्नमेंट का स्टैम्प वैम्प है, पढ़ते तो नहीं आता है, और कुछ तो भी ये लिखा है. उसको पता चला कि प्रेस्टीज पॉइंट में एक जीएसटी की फैकल्टी है. वो आया, ओके वो आया. अरे ये देखो यार जीएसटी का कुछ मेरे पीछे लगा है वो ऑफिसर, क्या आया 55 लाख मांग रहा है. मैंने देखा, इमेजिन करना कोई थ्रेशोल्ड नहीं है. ओके अब वो वड़ापा वाला कहता है कि नहीं हम तो केस फाइल करेंगे इसकी, ये ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाएंगे. मैंने कहा यार अपील का बहुत बड़ा खर्चा. नहीं नहीं जो भी खर्चा है ये रहा ब्लैंक चेक विशाल सर, आपकी जो फीस है लिख लो, मैं तो अपील में जाऊंगा. समझ में आया क्या? इन सिंपल वर्ड, केस अपील में जाएगी, कोर्ट में लड़ी जाएगी, ओके सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, डिस्कस हो रहा है वड़ापाव. गवर्नमेंट का भी खर्चा हो जाएगा, पैसा लेना नहीं है उससे ज्यादा उस पर खर्चा करना है. समझ में आया क्या? तो इन सिंपल वर्ड जहां तक है, गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि कुछ लोगों को बाहर ही रखो, हमें भी पॉसिबल नहीं है उनसे कलेक्ट करना. यस और नो? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में 3 रीजन है जहां थ्रेशोल्ड दिए जाते हैं. एक छोटे बिजनेसमैन वालों को कॉम्पिटिटिव प्राइस रखने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन डेवलप हो रहा है, अगर वो बिग इंडस्ट्री से कॉम्पीट करना चाहता है तो उसकी प्राइस कम होना चाहिए. तो गवर्नमेंट अपना सपोर्ट भी देती है कि चल तू जीएसटी कुछ लिमिट तक हमें मत दे. ये समझ में आया क्या? सो दैट तू भी ग्रो होगा. दूसरी बात, उसके कंप्लायंस करना पॉसिबल नहीं है. तीसरा, गवर्नमेंट भी देख लेती है कि कुछ लोगों का सरदर्द है, इनके पीछे लगना पॉसिबल नहीं है. इज इट क्लियर? तो वो थ्रेशोल्ड फिक्स करती है. थ्रेशोल्ड की मेरे साथ सभी बोलेंगे, थ्रेशोल्ड की जनरल लिमिट कितनी है? 20. पर कुछ केसेस में 10 है, कुछ केसेस में 40 है. याद कैसे करना? जनरल लिमिट 20, पर कुछ केसेस में 10 है और कुछ केसेस में 40 है. 40 लाख. इज इट क्लियर? सर वो कौन सी केसेस है आगे देखेंगे जब हम चैप्टर देखेंगे. इज इट क्लियर? ओके तो ये था थ्रेशोल्ड. अच्छा ये थ्रेशोल्ड स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा या जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा.
उसके बाद में रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद विद बैंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी रेट भी जैसे जनरल रेट है 5, 12, 18 and 20, ये भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अ स्पेशल रेट और रेट स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी। अभी तो कोई स्पेशल रेट नहीं है, लेकिन ये पावर रखिए कि फ्यूचर में कभी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो इन एडिशन टू ड्यूटी कोई सेस वेस लगा दे। समझ में आया ना? अभी डिसीजन था जीएसटी, मुझे याद है 2021 में मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जिसमें ये डिसीजन लिया लेने वाले थे कि कोविड सेस लगाया जाए। कौन सा कोविड? यानी इन एडिशन टू जीएसटी हम कोविड सेस लगाए, पर यहाँ पे स्टेट का सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पर निर्मला जी ने ये प्रपोजल रखा था इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग कि भाई इन एडिशन टू जीएसटी कोविड के जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए थे एक सेस लगाया जाए, पर वो लगा नहीं, वो लगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, वर्डिंग देखो, स्पेशल एग्जम्पशन बोला या स्पेशल प्रोविजंस बोला? स्पेशल प्रोविजन बोला, एग्जम्पशन नहीं। ये स्टेट जो है जिसे मैं एक नाम दूंगा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, आई रिपीट द वर्ड, क्या नीचे मैंने टाइटल दिया है, नीचे मैंने टाइटल दिया है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। ये जो स्टेट में कुछ प्रोविजंस स्पेशल चलेगी, सर नहीं समझा, इमेजिन करो हमारे आज जीएसटी काउंसिल मीटिंग चालू है, सारे स्टेट बैठे हैं, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सबके लिए सेम होंगे, लेकिन कुछ स्टेट के लिए अलग से लागू हो सकते हैं, कुछ स्टेट के लिए अलग से। सर तभी भी क्लियर नहीं हुआ, जैसा जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आई प्रपोज बेसिक थ्रेशोल्ड ऑफ ₹20 लाख, मतलब टिल द टर्नओवर ऑफ 20 लाख वी शुड नॉट चार्ज क्या जीएसटी। अब आपके सवाल हो सकते हैं कि सर ये हर साल 20-20 लाख का बेनिफिट है क्या, या एक ही बार है, या क्या है? वो सब बाद में देखेंगे, आई रिपीट, वो सब बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये हर साल नहीं है, एक बार आपने 20 लाख क्रॉस कर दिया कि यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन, फिर आपको जीएसटी देना पड़ता है। ये हर साल नहीं है लाइक इनकम टैक्स, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, सब देखेंगे हम आगे थ्रेशोल्ड चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल दिया कि हम थ्रेशोल्ड 20 लाख रखेंगे, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर खड़े हो गए, वेट सर आई ऑब्जेक्ट। मैंने कहा हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा सर हम 20 लाख का थ्रेशोल्ड नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों? सर हमारे यहाँ बिजनेसेस बहुत छोटे छोटे हैं। अरे है ना, पहले तो हिली रीजन है, बिजनेस बहुत छोटे छोटे हैं, अंडर डेवलप सिटीज़ है, अगर हम 20 लाख तक का थ्रेशोल्ड दे दें, यानी 20 लाख तक हम कोई जीएसटी कलेक्ट ना करें, तो फिर तो हमारा पूरे बिजनेस जो चल रहा है उसका सिर्फ 10% लोग जीएसटी देंगे या 20% लोग जीएसटी देंगे, क्योंकि बिजनेस ही छोटे छोटे हैं। तो हम 20 लाख तक का लिमिट नहीं रख सकते। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने ऐसे स्टेट की लिस्ट बनाई जो शायद कुछ बातों पे ना माने, अरे आए जो शायद कुछ बातों पे ना माने, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि ठीक है इनके लिए कुछ प्रोविजन अलग से चल सकती है। तो फिर डिसीजन ये लिया कि चलो बाकी सब लोग 20 लाख का थ्रेशोल्ड रखेंगे, ये कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है ये सिर्फ कितना 10 लाख का रखेंगे। इसलिए मैंने कहा था वैसे तो 20 पर कुछ केसेस में 10, तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कितना क्या प्रोविजन में थ्रेशोल्ड रखेंगे 10 लाख। ऐसे कुछ 10-12 प्रोविजंस हैं जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को अलग से लगती है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था रिगार्डिंग टू स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अब नीचे आपको मैंने एक टाइटल दिया है और एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो क्या, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की मेमोरी टेक्निक आपको बनाना है
और उस मेमोरी टेक्निक के हिसाब से होमवर्क है, आपको स्टेट अरेंज करना है। समझ में आया क्या? मतलब ये हुआ कि आपको जो है यहाँ पे जो भी मेमोरी टेक्निक आप बनाओगे, मुझे कल दिखना चाहिए हाँ सबके इसमें, जो भी मेमोरी टेक्निक आप बनाओगे वो मेमोरी टेक्निक के हिसाब से स्टेट को अरेंज करना है और एक बार लिख कर देखना है। यानी इसके आगे आपको स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बोला कि याद आना चाहिए या स्टेट देखकर ही समझ जाना चाहिए ये क्या है स्पेशल कैटेगरी। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए तो ये आप लिखोगे, ये थ्योरी आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक बार फिर से कौन कौन से बातों पे रिकमेंडेशन आ सकता है एक बार फिर से? ओके, टैक्सेस सब्स्यूमिंग जीएसटी, उसके बाद में एग्जम्पशंस, उसके बाद में मॉडल ऑफ जीएसटी, थ्रेशोल्ड, रेट्स, स्पेशल रेट्स, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एंड अदर मैटर, जो भी होगा जीएसटी के। तो चलिए ये हमने डिस्कशन देख लिया यहाँ पे, अब आ जाओ आगे के डिस्कशन पे। जीएसटी एंड पोर्टल ये बाद में देखेंगे, यहाँ लिख दो ये बाद में देखेंगे। पोर्टल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है? ये भी प्रायोरिटी सी में रखना, सिर्फ आपके मटेरियल में कवर किया इसलिए मैं बता रहा हूं। जीएसटी के जीन्स कैसे डेवलप हुए, जीनेंसिस, जीनेंसिस मतलब जीएसटी के जीन्स कैसे डेवलप हुए, तो ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्सेप्ट रखा जीएसटी का और एक कमेटी बनाई जीएसटी मॉडल की। 2003 में विजय केलकर कमेटी का रिपोर्ट आया, केलकर कमेटी ने जीएसटी रिकमेंडेशन दिया कि जीएसटी पूरे नेशनल बेसिस पे लगाया जाए। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से लाएंगे, वो आया नहीं वो बात अलग, अरे है ना, पर पी चिदम्बरम ने कहा कि 1 अप्रैल 2010 से आएगा। फिर 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ जो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया कि इसमें आर्टिकल 246A कुछ याद आया क्या वगैरह लाया गया। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट करके संविधान का संशोधन किया गया, अमेंडमेंट की गई और 101 नंबर की अमेंडमेंट करके यहाँ पे जीएसटी की आर्टिकल्स लाए गए, कौन सा, 2016 में। और 2017 में बिल प्रेजेंट हुए जीएसटी के और एट लास्ट 1 जुलाई 2017 को इंडिया में क्या लागू किया गया, जीएसटी, जो जम्मू एंड कश्मीर को भी अप्लीकेबल करवाया गया। सर कुछ याद रखना है इसमें का? कुछ नहीं, सिर्फ 101 फॉर एमसीक्यू। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आई है तो आपका लर्न ही हो जाएगा, ठीक है? चलो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, अरे यस और नो, ये वैट मैकेनिज्म हो गया, जीएसटी अल्सो वैट है, प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ 2 मिनट रुको, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड टैक्सेशन ये भी हो गया, जीएसटी सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट ये भी हो गया, क्रेडिट हमें कैसे मिलेंगे, हमने ये भी लिख लिया ना कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। हाँ एक बार रिवाइज कर लेते, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो अगर आपने लिख लिया होगा तो। क्या जीएसटी जो है ये वैट बेस है, वैट बेस मतलब इसमें क्रेडिट मिलता है, अरे है ना। दूसरा ये डेस्टिनेशन बेस टैक्स है, नॉर्मली सप्लायर टैक्स देता है और बर्डन पास ऑन कर देता है, ये मल्टीपल स्टेजेस पे लगता है, ये बिजनेस टैक्स है पर्सनल टैक्स नहीं है और आपको आईटीसी का सेट ऑफ मिल जाता है। ये उसके बेसिक फंडामेंटल्स हुए रिगार्डिंग टू जीएसटी। चलो ये लिख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी और फिर ब्रेक लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी यहाँ लिख लेते हैं, यानी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ये लिख दो।
हाँ, आपको टोटल 10 बेनिफिट लिखना है, जगह आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करनी पड़ेगी, स्मॉल हैंडराइटिंग। 10 बेनिफिट्स लिखना है। चलो पहला लिखो, फर्स्ट बेनिफिट लिखो, और लिखते लिखते मैं समझा देता हूँ फटाफट। वैसे तो बहुत सारे कुछ मैंने पढ़ा दिया है, पर लिखते लिखते समझा देता हूँ एक बार फिर से। पहला लिखो, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, पहला बेनिफिट। डू इट फास्ट। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बाय कॉमन टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर, बाय कॉमन टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये तो आपको पता है कि बताओ जीएसटी में अब अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेट्स रहेंगे या कॉमन रहेंगे? प्रोसीजर भी कॉमन रहेगी, तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट प्रिंसिपल पे लाया गया, यूनिफाइड मार्केट लाया गया। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा लिखो, मिटिगेशन ऑफ, मिटिगेशन यानी खत्म करना, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग। ठीक है, ये जो भी कलर में लिखा है उसको रेड पेन से अंडरलाइन करना। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग बाय सबस्यूमिंग, सबस्यूमिंग मतलब मर्ज, बाय सबस्यूमिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस most of the central and state taxes central and state taxes into single tax With ITC. ये पॉइंट समझा? चल एक बार बता देता हूं। नहीं नहीं आगे का मत लिखो, पहले दो पॉइंट, सेकंड पॉइंट कि पहले क्या होता था, एक्साइज, एक्साइज पे क्या लगता था, वैट, वैट और एक्साइज पे लगता था LBT। अरे आया ना, तो ये टैक्स में खुद कैस्केडिंग इफेक्ट था। इज इट क्लियर? टैक्स में खुद कैस्केडिंग इफेक्ट था, तो वो खत्म किया गया, सारे टैक्स मर्ज कर दिए गए। ओके, और ITC भी अलाउ कर दिया गया। थर्ड लिखो, इलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस and double taxes, multiple taxes and double taxes. double taxes में example sim card वाला कुछ याद है क्या? वो goods है या services? वो भी खत्म कर दिया। अब goods हो या service हो, कुछ भी हो, एक ही tax लगना है। कौन सा? GST। is it clear? yes। उसके बाद में बुश टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये तो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था एक टाइम का। बुश टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस by making goods and services produce in India competitive in national
एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट देखो, जीएसटी आने के बाद हमारी प्राइसेस और कॉम्पिटेटिव हुई. कैसे कॉम्पिटेटिव हुई? अगर आपको याद होगा तो सर्विस प्रोवाइडर को पहले वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, या ट्रेडर को पहले क्या एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद क्रेडिट और मिलने लग गए, तो प्राइस इफेक्टिव हुई. प्राइस इफेक्टिव हुई तो इंटरनेशनल एंड नेशनल मार्केट में हमारी प्राइसेस और कॉम्पिटेटिव हुई. यस और नो? हाँ. नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स. इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा जब हमारा आगे डिस्कशन चलेगा तो और क्लैरिफाई करूँगा मैं. ठीक है, एक्सपोर्ट को कैसे बेनिफिट मिला. छः नंबर लिखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सिक्स नंबर लिखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. डूइंग बिजनेस ऑफ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर. क्या हो गया कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आया जीएसटी का, जिसके वजह से बिजनेस करना भी आसान हो गया और चाय पानी कम कम हो गया. मेनली चाय पानी समझ में आ रहा है क्या? मतलब अलग अलग आपको कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो आप अब सिर्फ जीएसटी के ही आपको कंप्लायंस करने, पहले एक्साइज, पहले वैट या LBT, सारे कंप्लायंसेस सर्विस टैक्स के करने पड़ते थे. नेक्स्ट लिखो, सर्टिनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. सर्टिनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. अच्छा, एक सवाल आया ऑनलाइन, वो ले लेता हूँ कि सर ये बताइए कि जीएसटी ने इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट किया. पहले फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती थी. क्यों? क्योंकि वो परेशान थी यहाँ के अलग अलग लॉस से, अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर से. लेकिन जैसे ही जीएसटी आया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की. कहाँ पे? इंडिया में. अब तो एप्पल ने भी सोचा है अपने स्टोर, अरे है ना, अलग अलग स्टेट में. तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है जीएसटी आने की वजह से. ठीक है, चलो नेक्स्ट एट नंबर लिखो, ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीएसटी पूरा ऑनलाइन हो गया, मैनुअल कुछ भी नहीं चलता है जीएसटी में. मैं आपको 14-15 लेक्चर में बताऊंगा जीएसटीएन पोर्टल ऑनलाइन. ठीक है, कैसे पोर्टल होता है, कैसे आपको GSTR 1 देना पड़ता है, GSTR 3 भी, सब डेटा कैसे अपलोड करना पड़ता है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. क्लियर? ठीक है, और सभी पूरी टेक्नोलॉजी बेस करके जीएसटी को जो है यहाँ पे लाया गया. नेक्स्ट, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट विच रिमूव्ड मल्टीपल रिकॉर्ड स्किपिंग. विच रिमूव्ड मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग इन वेरियस टैक्सेस लाइक एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एंड एक्सेट्रा. दस
दिस इट रिक्वायर्ड लेसर मैन पावर दिस इट रिक्वायर्ड लेसर मैन पावर इन मेंटेनिंग द लॉ इन मेंटेनिंग द लॉ सॉरी इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स और लास्ट इट ऑल्सो हैव गिवन बेनिफिट्स लास्ट इट ऑल्सो हैव गिवन बेनिफिट्स टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स तो चलिए दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स 10 दिए इसमें से 5 भी याद कर दो इनफ है यस और नो तो चलिए पर सभी लिख सकते हो इजी है सारे सभी लिख सकते हो तो चलिए यहाँ ब्रेक लेते हैं रिमेनिंग डिस्कशन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक चल ब्रेक
ऑल्सो यहां पे पेज नंबर 27 पे आओ, पेज नंबर 27 पे क्रेडिट सिस्टम इन ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, पर एक बार फिर से इसको पढ़कर आगे के लिंक में आते हैं। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, लॉ क्या कहता है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां स्टार्टअप करना। और बेटा आई नीड योर अटेंशन, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लॉ ये कहता है कि अगर आपने इनवर्ट सप्लाई पे सीजीएसटी दिया होगा, ठीक है, और आपने इनवर्ट सप्लाई पे क्या दिया होगा, एसजीएसटी, तो सीजीएसटी का क्रेडिट ओनली सीजीएसटी में मिलेगा और एसजीएसटी का क्रेडिट ओनली एसजीएसटी में मिलेगा। अब एक सवाल हो सकता है, नो डाउट उस सवाल के पीछे जो बैकग्राउंड रहेगा वो बैकग्राउंड पे हम बात करेंगे, ठीक है। पर एक सवाल हो सकता है, प्लीज प्लीज, कि सर समझ लो सीजीएसटी का बैलेंस एक्सेस है, तो क्या हम सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, जीएसटी आने के बाद भी सेंट्रल का सेंट्रल में ही यूज करेंगे, स्टेट का स्टेट में ही यूज करेंगे। क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी एंड बिटवीन एसजीएसटी इज नॉट अलाउड। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आगे का एक सवा घंटा, आपका 100% फोकस देना बॉस, ये आत्मा है जीएसटी की जो मैं एक घंटे में लेने वाला हूं, समझ में आया? वो आत्मा आपके रूह तक पहुंचनी चाहिए, समझ में आया? तो इसलिए आपने खुद ही अपना सेल्फ असेसमेंट करना, खुद ही 10 बार पूछना, मैं बात तो नहीं कर रहा, मैं किसी की तरफ देख तो नहीं रहा, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ अलग अलग थॉट तो नहीं चल रहे, ठीक है। ये खुद ही सवाल अपने आप से पूछना, ठीक है। सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के अगेंस्ट में मिलेगा, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी। फिर आपका एक सवाल हो सकता है, और वो सवाल ये हो सकता है कि सर फिर पहले भी तो ऐसा ही था, सेंट्रल का सेंट्रल में और स्टेट का स्टेट में, फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, पहले भी तो ऐसा ही था? क्योंकि पहले सर आपने कितना हमें कल आधी पौन घंटा परेशान किया, नहीं नहीं परेशान नहीं, अच्छे से पढ़ाया बॉस। सर सर आपने कहा था मैन्युफैक्चर तो विन विन सिचुएशन में है, समझ में आया ना, उसके इनपुट में भी सेंट्रल था, पुराना पुराना, और आउटपुट में भी सेंट्रल था, पर कौन सफर कर रहा था, सर्विस प्रोवाइडर और कौन, ट्रेडर, ट्रेडर सपोर्ट कर सफर कर रहे थे। तो सर पहले भी तो ऐसा ही था, सेंट्रल का सेंट्रल में, स्टेट का स्टेट में, हाँ बेटा पहले भी ऐसा ही था, और आज भी सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में ही मिलेगा, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट आज ये तो है कि सर्विस प्रोवाइडर के आउटपुट में 2 टैक्सेस है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और ट्रेडर के भी आउटपुट में 2 टैक्सेस है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब किसके क्रेडिट लॉस नहीं हो रहे, क्योंकि उनके इनपुट में भी सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा आउटपुट, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। I hope you understood. Okay, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे वो क्या कहते हैं, okay, नहीं नहीं अभी अभी भी प्लीज 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 जो ऑनलाइन कनेक्टेड है प्लीज कोई सवाल मत पूछना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैं कह रहा हूं बस उतना समझ रहा है कि नहीं समझना वो बताना।
आपके सारे सारे डाउट्स एक घंटे बाद या कल का पहले पहला एक घंटे के बाद, कल का जो सेशन रहेगा उसका एक घंटे का, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन को वन साइडेड आने दो, समझ में आया क्या? चलो, तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी आने के बाद नो डाउट ये सिंप्लीफिकेशन हुआ कि सबके आउटपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी आ गए, तो सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में। ओके, दोनों क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है, वाइस वर्सा क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलो P6 प्रैक्टिस बुक में आओ, प्रैक्टिस बुक में आओ, ठीक है, प्रॉब्लम रीड करो मेरे साथ सभी, मतलब मन में। मिस्टर महेश और पटना, कहाँ का बंदा? मतलब बिहार। सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज ऑफ ₹24,000 टू मिस्टर अमिताभ ऑफ पटना, दोनों भी बिहार में, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है? इंट्रास्टेट। मिस्टर महेश परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रुपीज क्या? 20,000। ऑन विच सी जी एस टी कितना? 1800 9% एंड एस जी एस टी 1800 9%। चलो, मिस्टर महेश ने परचेज भी दिया है और मिस्टर महेश का सेल भी है। परचेज फ्रॉम मिस्टर मुत्तुस्वामी ऑफ पटना, फाइंड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 2018 में एग्जाम में यहाँ पे 3 मार्क के लिए पूछा था, पहला पूछा था। अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम, एम मतलब महेश कर दो वहाँ पे, मिस्टर महेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ जीएसटी रेट इज 18%, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, एंड थर्ड नेट जीएसटी लायबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन किए हैं पर एक बार फिर से प्रैक्टिस करता है। चलो पहले लिखो, ए लिखो, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर महेश, चार्ज बाय मिस्टर महेश पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, फास्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाना, प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी हमारी। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज लिखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितना है? 24,000। अच्छा, उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी, सीजीएसटी एट द रेट 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट 9%। कितना आता है टोटल प्राइस? 2160, नहीं नहीं, जीएसटी आया 2160, टोटल प्राइस 28,320, टोटल प्राइस आ गए। नीचे नोट दो, इन गिवन केस मिस्टर महेश एंड मिस्टर अमिताभ बोथ आर इन बिहार, हेंस इट इज इंट्रास्टेट सप्लाई। मिस्टर महेश एंड मिस्टर अमिताभ बोथ आर इन बिहार, हेंस इट इज क्या? इंट्रास्टेट सप्लाई एंड सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इज लेवियबल, इज लेवियबल। देन सेकेंड नंबर, सेकेंड क्या बचा? हु इज लायबल टू पे जी एस टी टू द गवर्नमेंट, हु इज लायबल टू पे जी एस टी मतलब टू द गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट को कौन देता है? सप्लायर. ओके, लिखो मिस्टर महेश अ सप्लायर. सेकंड लिखो मिस्टर महेश अ सप्लायर. इज लायबल टू पे जीएसटी. इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट नेक्स्ट नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश. महेश की परचेसेस दी हुई क्या? किससे किया उसने? मुत्तुस्वामी. ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी. कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश. पर्टिकुलर्स सीजीएसटी एंड क्या एसजीएसटी. पर्टिकुलर्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई. टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना निकाला बिल में उसका हमने टैक्स? 2160. लेस आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई. लेस आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई. मुत्तुस्वामी से कितने में जीएसटी लग के आया था? 1800 था ना. हाँ 1800. तो नेट जीएसटी पेएबल 360. बहुत इजी क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है आना, लेकिन आ गया तो मार्क्स मत छोड़ना. तीन मार्क्स डबल पॉइंट्स लिखो सब आ गए. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं. P7 देखो. द बिलो केस पर्टेन टू लोकल सप्लाई. अंडरलाइन लोकल सप्लाई मतलब नहीं नहीं लोकल अथॉरिटी नहीं. लोकल सप्लाई मतलब इंट्रा स्टेट. ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रेट अप्लीकेबल फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% रिस्पेक्टिवली. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी द वैल्यू कितना बेटा? 10,000. कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू बी. मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या आएगा? टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू बी एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर बी. ठीक है, दूसरा बी को कितना क्रेडिट मिलेगा. तीसरा अज्यूमिंग दैट देर इज अ वैल्यू एडिशन 20% ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बाय मिस्टर बी टू मिस्टर सी. ठीक है, कैलकुलेट द प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी. ये तीन आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ अबव वर्किंग ऑफ टू क्वेश्चंस कंप्यूट सी जीएसटी और एसजीएसटी पेएबल बाय मिस्टर बी. मतलब नेट लायबिलिटी. चौथा आएगा नेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी. प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट. ये पांच नंबर पांच टोटल एडजस्ट हमारे स्टेटमेंट्स आएंगे. चलो पहला तो आप बना सकते हो. लिखो पहला. आप क्रॉस पेज नंबर दे रहे हो ना. चलो उसमें कोई नोट्स नहीं है बेटा सी पॉइंट में. अब डायरेक्ट P6 लिखो. P6 का पहला कैलकुलेशन ऑफ. हाँ मैं आपको बता दूं जहां नोट्स रिलेवेंट रहेगी वहां लिखा के दूंगा. ओके, मुझे पॉपअप मत करो. मैं रहेगी वहां लिखा के दे ही दूंगा. क्लियर? तो यहां पे आप बनाओ ना कैलकुलेशन ऑफ क्या. टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी. बनाओ कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी. पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस. वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000.
CGST and SGST. Total price 11,800. उन्होंने खुद ही लोकल सप्लाई बोल दिया, इसलिए नोट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड लिखो, अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर बी। सेकंड लिखो, अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर बी। बी को कितना क्रेडिट मिलेगा? जितना ए चार्ज करेगा। ए ने कितना चार्ज किया? 900 लिखो। अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर बी, CGST 900 एंड SGST 900 डन। अब तीसरा क्या पूछा? बी ने सी को बेचा विथ 20% वैल्यू एडिशन, ये समझा क्या? तो बी टू सी प्राइस निकालो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, थर्ड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी टू सी, मिस्टर बी टू सी निकालो। एक मिनट, टोटल प्राइस। अब मुझे ये बताओ, इसमें तो आप इनफ मैच्योर्ड हो गए, आप जो 20% वैल्यू एडिशन करोगे वो 11,800 का करोगे या 10,000? इसमें तो आप मैच्योर्ड हो गए, समझ में आया? तो आप लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000 प्लस 2,000, ये समझे क्या? ब्रैकेट में 10,000 प्लस 2,000, आउटर कॉलम में 12,000, ठीक है। उस पे लगाओ CGST एंड SGST। CGST एंड SGST 1080। ठीक है, डन। चलो अब लास्ट बट वन, नेट GST लायबिलिटी ऑफ क्या? उन्होंने क्या पूछा कि बी को कितना देना है नेट गवर्नमेंट को? लिखो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट GST लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ नेट GST लायबिलिटी ऑफ बी, मिस्टर बी। नेट GST लायबिलिटी का टेबल कैसा रहेगा? पर्टिकुलर्स CGST SGST इन रुपीस, पर्टिकुलर्स CGST इन रुपीस, SGST इन रुपीस। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इसने कितना टैक्स लगाया बी टू सी? 1080। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्लास में सभी को समझ में आ रहा है? Yes, इधर डरो मत किसी से कि भाई मैं नहीं समझ में आ रहा तो लोग क्या बोलेंगे। यहाँ कोई लोग नहीं, मैं बैठा हूँ, मेरे को ही पूछो। इज इट क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? Yes. अगर समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कीजिएगा। हाँ, और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हाँ, मैं सभी बोल दूँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, सब कीजिएगा, ठीक है। तो नाउ निकालो नालायो को निकालो। नेट GST लेस ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई, तो नेट GST पेबल कितना आया? 180, ठीक है, 180। चलो नेट GST पेबल आपका 180 आता है। लास्ट स्टेटमेंट बनाओ,
स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. हाँ, पर्टिकुलर्स सेंट्रल रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू, ऐसा करना. पर्टिकुलर्स सेंट्रल रेवेन्यू एंड स्टेट रेवेन्यू, तीन कॉलम बनाना. सेंट्रल रेवेन्यू एंड स्टेट रेवेन्यू. पर्टिकुलर्स में लिखो ट्रांजेक्शन बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए टू बी, मतलब ए टू बी के केस में कितना गया गवर्नमेंट को, सेंट्रल को कितना गया, 900 एंड 900. लिखो 900 एंड 900. सेकेंड लिखो ट्रांजेक्शन बिटवीन बी टू सी, एक मिनट एक मिनट, 1080 या 180? 180. नेट कितना गया, 180. ट्रांजेक्शन बिटवीन बी टू सी में 180 180 टोटल करो, 1080. तो टोटल उतनी ही आएगी जितना लास्ट बिल होगा. कुछ आया, टोटल उतनी ही आएगी जितना लास्ट बिल होगा. आई होप यू अंडरस्टूड. देखो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे, प्रेजेंट कैसे करना वो सिखा रहा हूँ, लिखना कैसे वो सिखा रहा हूँ. इज इट क्लियर? चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अभी तक हम देख रहे थे CGST एंड SGST, अब मैं उसमें फ्लेवर ऐड करूँगा IGST का. IGST का अब देखो लॉ क्या कहता है, सभी ध्यान दे, सभी ध्यान दे, हाँ जो ऑनलाइन कनेक्टेड वो भी ध्यान दो. लॉ ये कहता है अगर आपने इनवर्ट सप्लाई पे IGST दिया होगा तो आप IGST का क्रेडिट पहले IGST में यूज करोगे. मेरे एक एक स्टेटमेंट को याद रखना. सेक्शन 49 आगे एक सेक्शन है, वो कहता है कि सबसे पहले क्रेडिट यूज करने के लिए आप IGST ही लोगे. सर नहीं, सबसे पहले आप IGST का ही क्रेडिट यूज करोगे. सर बट नो बट शट ऑनली कट टू कट. इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ओके प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप सबसे पहले जो क्रेडिट लोगे वो किसका यूज करोगे, IGST. इवन कॉमन पोर्टल में जब आपको बताओगे GST पोर्टल ऑन ऑनलाइन तो उसमें भी बता दोगा पहले IGST का ही क्रेडिट यूज होता है. IGST का क्रेडिट आप IGST के पेमेंट के लिए यूज करोगे और उसके बाद में बैलेंस बचा तो क्या CGST और SGST के पेमेंट के लिए यूज करोगे, पर पहले IGST को खत्म करोगे. इज इट क्लियर? मतलब आपके पास IGST का क्रेडिट 600 रुपए, सिर्फ इंफॉर्मेशन वन साइड चलने दो, सिर्फ सुन लो, आपके जो भी डाउट्स आते हैं बाजू में लिख के अभी भूल जाओ. इज इट क्लियर? IGST का आपका 600 रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है, आपका आउटपुट में IGST पेबल आ रहा है 400 रुपए. समझ में आ रहा है? तो आपके पास एक्सेस बैलेंस होगा. अब दिमाग में एक सवाल आएगा, सर एक्सेस बैलेंस कैसे होता है? बाद में, बाद में. समझ में आया क्या? आपके पास बैलेंस होगा तो पहले आप 600 रुपए का सेट ऑफ, मतलब जो क्रेडिट है वो आप किसके लिए यूज करोगे, 400 में यूज करने के बाद बैलेंस कितना बचा, 200. ये 200 आप CGST में एज वेल एज SGST दोनों में यूज कर सकते हो, और पूरा का पूरा CGST में, पूरा का पूरा SGST में, या फिर आधा आधा, या 10-20, 20-80, मतलब एनी प्रोपोर्शन. एनी का मतलब एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये समझ में आया? सर हम एग्जाम में कैसे डिसाइड करेंगे एनी प्रोपोर्शन? एग्जाम में यहां पे स्टूडेंट के आंसर बदलेंगे. जनरली जनरली जो प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किए है वो है पूरा CGST में, पूरा SGST में, या 50-50. समझ में आया क्या? पर आप कोई भी प्रोपोर्शन, आप कोई भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर?
कोई भी प्रोपोर्शन 80-20, 70-30 कोई भी प्रोपोर्शन, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सेकंड, आईजीएसटी प्रॉब्लम वगैरह सब सॉल्व करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। आईजीएसटी यूटिलाइज होने के बाद, यानी यहां पे आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज हो गया, उसके बाद स्टार्ट करोगे सीजीएसटी। समझ में आया ना? सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी के लिए पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, एज वेल एज आईजीएसटी के पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। समझ में आया ना? और एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, एज वेल एज आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। हाँ, सीजीएसटी और आईजीएसटी क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब मैं आपको बता दूं, इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक। कैसे? समझ लो, मैं हूं आईजीएसटी, माय मदर इज सीजीएसटी एंड माय वाइफ इज एसजीएसटी। यस और नो? आई एम इंटीग्रेटेड, आईजीएसटी मदर सीजीएसटी वाइफ एसजीएसटी। अज्यूम करो कि सास बहू की बिल्कुल पटती नहीं है, अज्यूम करो, ठीक है? सास बहू की बिल्कुल पटती नहीं है। हम तीनों खाना खाने बैठे, ठीक है, तीनों खाना खाने बैठे, तो खाना खाने वक्त आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन। समझ में आया? पर आईजीएसटी दोनों के साथ शेयर करेगा, मदर एंड वाइफ, खुद भी मदर एंड वाइफ। ये समझ में आया क्या? नाउ सीजीएसटी मतलब माय मदर, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में और ज्यादा से ज्यादा आईजीएसटी में। समझ आया क्या? ओके, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में और ज्यादा से ज्यादा आईजीएसटी में, बट क्रॉस क्रेडिट नॉट अलाउड। क्रॉस क्रेडिट नॉट अलाउड। और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में और ज्यादा से ज्यादा आईजीएसटी में, क्रॉस क्रेडिट नॉट अलाउड। ये समझ में आया क्या आपको? इन सिंपल वर्ड, आईजीएसटी फ्री है, जो क्रेडिट्स बांटता भी है तो क्रेडिट लेता भी है। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे ये हमने देखा, बट क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी नॉट अलाउड। अब चलो डिस्कशन थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं। आर यू रेडी? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार फिर से वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक मेरे साथ रिवाइज करोगे। पहले सबसे पहले किसका क्रेडिट यूज करोगे? आईजीएसटी। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में, देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन। आफ्टर कंप्लीट, ये लाइन लिख लो वहां पे, ये लाइन लिख लो, आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, हाँ, फिर मैं क्या चालू करूंगा? सीजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी, और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी, और बेटा यूटीजीएसटी होगा तो यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी, लिख लो वहां पे, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, मतलब एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी होगा, यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आई एम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मैंने अदर स्टेट से परचेस किया, और अदर स्टेट से गुड्स परचेस किया यहाँ पे 1000 क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू 100000 रुपए थी, और आईजीएसटी कितना? 18000। 1000 क्वांटिटी मुझे मिली। समझ में आया क्या? आईजीएसटी कितना लगा के? 18000। अदर स्टेट से परचेस किया हुआ है। अब मैं 1000 में से 400 क्वांटिटी, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझ लो, 1000 में से मैंने 400 क्वांटिटी
इंट्रा बेची और 600 क्वांटिटी, सॉरी 400 मैंने इंटर बेची, अरे है ना, अदर स्टेट में बेची, और 600 क्वांटिटी मैंने क्या इंट्रा बेची। इज इट क्लियर? तो मेरे आउटपुट में आईजीएसटी भी लगा, ये समझाया नहीं समझा, मेरे आउटपुट में आईजीएसटी भी लगा और मेरे आउटपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगा। तो बताओ आउटपुट टैक्स, तो मुझे बताओ अब यहाँ पे, अब मेरे पास क्रेडिट सिर्फ आईजीएसटी का है, यस और नो? और मेरे आउटपुट में आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी। तो बताओ अब मुझे इसके क्रेडिट लेना है, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में। लो कैलकुलेटर, आपका 18,000 माइनस 18 हो गया खत्म। अगर बैलेंस होता तो फिर किस में लेता, सीजीएसटी और एसजीएसटी, पर बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस होता तो मैं पूरा सीजीएसटी में लेता, पूरा एसजीएसटी में लेता, या फिर 50-50 लेता, यस और नो? चलो ये तो हुआ हमारा यहाँ पे पहला एग्जांपल। दूसरा, मैंने परचेस इंट्रा स्टेट की, कम ऑन मैंने परचेस इंट्रा स्टेट, तो मेरे पास क्रेडिट किसके मिलेंगे, सीजीएसटी के और एसजीएसटी। ये डायग्राम से समझ लो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको, कॉन्सेप्ट समझ लो। इज इट क्लियर? तो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब मैंने ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट ले लिए, अब जो लोकल मार्केट से खरीदा, मतलब मैंने बॉम्बे से माल खरीदा, पुणे में महाराष्ट्र से, अरे समझ में आया क्या, बॉम्बे से जब माल खरीदा पुणे में महाराष्ट्र से, क्या लग के आया होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के आया होगा। इज इट क्लियर? फिर मैंने यहां से माल जो बेचा, वो बेचा समझ लो यहाँ पे गोवा, अरे है ना, तो इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, ओके, इंटरस्टेट बेचा तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगा, इंट्रास्टेट बेचा तो उसके ऊपर सीजीएसटी लगा। तो मुझे बताओ अब लॉ क्या कहता है यहाँ पे कि सीजीएसटी का क्रेडिट, पहले तो बताओ, लॉ ये कहता है कि पहले देखो आईजीएसटी का कोई क्रेडिट है क्या, अगर आईजीएसटी का क्रेडिट होगा तो आपको पहले आईजीएसटी लेना पड़ेगा, आईजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब क्या लूंगा, सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में, तो मेरे पास क्रेडिट कितना है, 9,000, 9-6,300 पेमेंट के लिए यूज करूंगा, समझ में आया ना? तो मेरे पास एक्सेस बैलेंस रह गया, कितना एक्सेस बैलेंस है, 3,000, वो 3,000 कहाँ, आईजीएसटी में यूज करूंगा, ठीक है, यस और नो? और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में, और एक्सेस बैलेंस आईजीएसटी में। आई होप प्रिंसिपल समझ में आएगा। नाउ अब आपको और एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं, ये डायग्राम कुछ कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाली है। समझ लो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मजेदार एग्जांपल है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, और ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए थी, यहाँ पे जीएसटी 18% लग के आया, अरे है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वाटर रेट में भी कितना परसेंट लग के आया, 18%, और क्वांटिटी 50 खरीदी रेफ्रिजरेटर की। उसके बाद में मैंने इस मंथ में वॉशिंग मशीन खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वॉशिंग मशीन खरीदा, वैल्यू जो है 80,000 है, जीएसटी 9,600, टीवी खरीदा बेचने के लिए तो उसका वैल्यू और उसका जीएसटी 2,50,000 और 56,000, और इस मंथ में मैंने अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे 3,00,000 के, जिसपे जीएसटी क्या 5% के हिसाब से 15,000। केयरफुली देखते हो तो कोई गुड्स 18% से खरीदा, कोई गुड्स 12% से खरीदा, कोई गुड्स 28% से खरीदा, अरे है ना, और कोई गुड्स 5% से खरीदा। इज इट क्लियर? अब मैंने पहला गुड्स बेचा, इस मंथ की मेरी परचेस है, मैंने पहला गुड्स बेचा रेफ्रिजरेटर, ध्यान से सुनना क्या, रेफ्रिजरेटर, और वो जो मैंने बेचा 50 क्वांटिटी पूरी बेची, और 2,00,000 बेचा जिसका जीएसटी कितना 36,000। अच्छा, रेफ्रिजरेटर का मेरे पास क्रेडिट कितना था, 18,000, समझ रहे हो बात, 18,000, और मेरा आउटपुट टैक्स रेफ्रिजरेटर का कितना, 36,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा पेबल आ रहा है, 18,000। सवाल देखो मेरा क्या है, सभी ने सुनना, ऑनलाइन वाले ध्यान दो,
यहां सभी ने सुनना, अब जो मेरा 18,000 पेबल है किसका? रेफ्रिजरेटर का। क्या वो पेमेंट के लिए मैं बाकी आइटम के क्रेडिट यूज कर सकता क्या? समझ लो मेरे पास बाकी आइटम के क्रेडिट बाकी है, तो क्या उनके क्रेडिट मैं रेफ्रिजरेटर के पेमेंट के लिए यूज कर सकता हूं? कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर, रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेटर में ही, वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मशीन में ही। हाँ, तो ऐसे अगर आप 1-to-1 कोरिलेशन लगाओगे फॉर क्रेडिट तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 1-to-1 लगाओगे तो सर इसमें 1-to-1 क्या प्रॉब्लम? इमेजिन करो, ये तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अगर हम एक किराना शॉप लेते हैं, समझ में है, 500 आइटम हो गए, ओके, छोटी चॉकलेट, बड़ी चॉकलेट, बड़ी चॉकलेट, उसकी वेराइटी, ओके, इतने सारे आइटम्स रखे हुए हैं, कुरकुरे का पैक, लेस का पैक, बालाजी का पैक, समझ में आया क्या? अब इतने आइटम्स, अब इमेजिन करो कि यहां पे किराना वाला 1-to-1 लगा रहा है, ये छोटी चॉकलेट का क्रेडिट छोटी चॉकलेट में, ये बड़ी चॉकलेट का क्रेडिट बड़ी चॉकलेट में। अरे समझा या नहीं समझा? अगर वो 1-to-1 लगाएगा, और वो 1-to-1 लगाने में प्रॉब्लम क्या है फिर? छोटी चॉकलेट का लेजर अलग, बड़ी चॉकलेट का लेजर अलग, उसमें कितनी परचेस की, उसमें कितनी सेल की, पता चलेगा वो किराना शॉप वाला सिर्फ लेजर ही बना रहा है, कोई कस्टमर आया रुक लेजर बनाने दो, समझ में आया क्या? बिजनेस करना तो छोड़ देगा, लेजर ही बना दो। अरे किराना वाला छोड़ दो, हार्डवेयर शॉप वाला, नेल्स के खिले की साइज अलग अलग होती है। अरे समझ में आया? तो अब यहां पे अगर कोई हार्डवेयर वाला है और वो हार्डवेयर वाला अगर 1-to-1 लगाता बैठे, वो तो गियो बिग बाजार वाला या रिलायंस फ्रेश वाला 1-to-1 लगाता बैठे तो वो तो गियो। इतनी हाई कंप्लायंस कॉस्ट हो जाएगी तो लोग कहेंगे ये रहा तेरा जीएसटी। समझ में आया क्या? हम बिजनेस करने बैठे कोई लॉ फॉलो करने नहीं बैठे, समझ में आया क्या? इसलिए आईटीसी लेते वक्त 1-to-1 नहीं होता है, समझ में आया क्या? नालायक आईटीसी लेते हो। तो जहां तक देखा जाए तो आईटीसी का क्रेडिट लेते वक्त 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होगा। तो यहां पे क्रेडिट कैसे लिया जाता है? कोई भी गुड्स परचेस करो, कोई भी गुड्स परचेस करो, वॉट एवर द टोटल क्रेडिट ऑफ द मंथ, आई रिपीट, वॉट एवर द टोटल क्रेडिट ऑफ द मंथ, कितना मंथ आ रहा टोटल क्रेडिट, करो कैलकुलेटर लो, ओके कैलकुलेटर लो, 18,000 मेरे परचेसेस का टोटल क्रेडिट लो, 18,000 प्लस क्या 9,600 प्लस 56,000 प्लस 15,000 98,600, यस सर, ये मेरा इस मंथ का क्रेडिट है, इज इट क्लियर? सर मन नहीं मान रहा, रखो बाजू में, जो बोल रहा हूं वही है, आपका मन माने या ना माने, इज इट क्लियर? तो ये मेरे मंथ का टोटल क्रेडिट है, व्हाट एवर द रेट 12, 28, 5%, मेरे पर इतना बर्डन पास ऑन हुआ है, इज इट क्लियर? अब गवर्नमेंट कहती है आपको क्रेडिट कैसे यूज करना है, मंथली बेसिस पे, क्योंकि मंथली पेमेंट है, तो आपने पूरे मंथ में जितना बेचा उसका टैक्स माइनस ये मंथ में जितना खरीदा उसका टैक्स, अरे है ना, तो टोटल आउटपुट टैक्स ऑफ द मंथ माइनस टोटल इनपुट टैक्स ऑफ द मंथ, आई होप यू अंडरस्टूड, यहां सभी को क्लियर? चलिए, तो इसके आगे आप क्रेडिट लेते वक्त 1-to-1 कोरिलेशन नहीं लगाओगे, इज इट क्लियर? टोटल क्रेडिट ऑफ दैट पीरियड, टोटल आउटपुट टैक्स ऑफ दैट पीरियड, दैट्स ऑल, इस तरह से आपको क्रेडिट, मतलब टोटल आईजीएसटी ऑफ द मंथ, टोटल सीजीएसटी ऑफ द मंथ, टोटल एजीएसटी ऑफ द मंथ, आउटपुट में टोटल आईजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी, समझ में आया क्या? सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी आईजीएसटी, और पूरे मंथ का एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी आईजीएसटी,
आई होप यू अंडरस्टूड. क्लियर? अब ये तो देखा हमने, वन टू वन कोरिलेशन नहीं लगता है. दूसरा, यहां पे एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने वी स्मार्ट ने यहां पे कैपिटल गुड्स खरीदा, कैमरा, जो मैंने बैलेंस शीट में असेट बताई हुई है, और ये कैमरा खरीदा है, और ये कैमरा 2 लाख का है. अरे नालायक, 2 लाख समझ लेना. और उसके ऊपर ये कैमरा खरीदा मैंने दिल्ली से. दिल्ली से खरीदा मतलब क्या? आईजीएसटी लगे. चोर बाजार नहीं, चोर बाजार वाले टैक्स इनवॉइस नहीं देते, नालायक. ठीक है, तो जहां तक है टैक्स इनवॉइस में लिया है मैंने, ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो आईजीएसटी लग गया 2 लाख पे, और 2 लाख पे एट द रेट 18% कितना? 36. पर ये जो गुड्स मैंने खरीदा वो मैंने असेट बताई, कैपिटल गुड्स बताया. क्या मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा? क्या? Yes. कैपिटल गुड्स है. Yeah. अरे कैप, जीएसटी लॉ कहता है कोई भी गुड्स, एक बार फिर से रिटेक, कोई भी गुड्स बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, किसके लिए? पर्सनली, पर्सनल नहीं, कोई भी गुड्स आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, क्या आईटीसी मिलेंगे? यस, इवन दो कैपिटल गुड्स हो. तो आपको इनपुट के तो क्रेडिट मिलते ही है, इनपुट सर्विसेज के क्रेडिट मिलते ही है, रहना, और कैपिटल गुड्स के भी क्रेडिट आपको मिलेंगे. सर मन नहीं मान रहा है, रीजन देता हूं, रीजन से सेटिस्फाइड हुए तो ठीक, नहीं तो मना लेना मन को. क्लास के बाद उतरते वक्त हर स्टेयर केस पे बोलना कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा. जब तक आप नीचे पहुंचोगे वो खुद ही मान जाएगा हाँ मिलेगा. समझ आएगा? हाँ मिलेगा. तो कैपिटल गुड्स का समझ लो, आपने अगर कॉस्ट शीट बनाई होगी और कॉस्ट शीट से सेल प्राइस बनाया होगा, तो आपको पता है कैपिटल गुड्स का अगर हम क्रेडिट ना दें, तो जब हम कैपिटल गुड्स की अमोर्टाइज कॉस्ट लेते हैं सेल प्राइस में, अरे है ना, सेल प्राइस फिक्स करते वक्त अगर कॉस्टिंग का नॉलेज होगा आपको, सेल प्राइस फिक्स करते वक्त हमको कैपिटल गुड्स की डेप्रिसिएशन कॉस्ट या अमोर्टाइज कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ती है. अगर इसका क्रेडिट ना दे तो इसका जीएसटी एलिमेंट प्राइस में ऐड हो जाएगा, और अगर इसका जीएसटी एलिमेंट प्राइस में ऐड हो गया तो इट लीड्स टू कैश कैडिंग, क्योंकि है तो बिजनेस के लिए. इसलिए बॉस, बिजनेस में जो भी कुछ खरीदोगे बिजनेस में, क्या सबके क्रेडिट मिलेंगे? यस. यहां मैंने लाइट खरीदे, कैमरा खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, उसके बाद में ये जो आपको नोट्स दिए उसके पेपर खरीदा, बेंचेस खरीदे, चेयर्स खरीदी, डेस्कटॉप खरीदा, ये बॉटल बिजनेस के लिए खरीदा, तो क्या इसके भी क्रेडिट मिलेंगे? हाँ, यूज इन द बिजनेस. अरे समझ में आया क्या? एवरीथिंग, इवन ये डोर के लिए, डोर खराब हो गया समझ लो, या शटर खराब हो गया उसका ग्रीस खरीदा बिजनेस के लिए. यानी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो भी डेबिट करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो भी डेबिट करोगे और बाहर से खरीदा होगा, जीएसटी लग के आया होगा, तो क्या सबका क्रेडिट मिलेगा? सबका क्रेडिट मिलेगा. और सर सबका क्रेडिट मिलेगा, और उस क्रेडिट जो मिलेगा, और वन टू वन कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी. ये समझ में आया क्या? टेक अ बिग अप्रोच फॉर आईटीसी, नॉट कॉन्जर्वेटिव अप्रोच. आई होप यू अंडरस्टूड. बेटा ऑनलाइन सबको समझ में आया? ओके, अगर ये समझ में आएगा तो जोर से बोलो यस सर. तो चलिए, तो अब ये बताओ, मैंने 100 गुड्स खरीदे, उसमें से 80 गुड्स स्टॉक में ही हैं, और 20 बेचे, तो मैं सिर्फ 20 का ही क्रेडिट लूंगा या पूरे 100 का क्रेडिट लूंगा? पूरे 100 का, वॉट एवर यू परचेस इन द मंथ. यानी क्यों ना वो स्टॉक में पड़ा हो. ये समझ में आया क्या?
वॉट एवर यू परचेस इन द मंथ, क्या टोटली एलिजिबल फॉर आईटीसी? यस, स्टॉक में पड़ा हो तो भी चलेगा, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में मेरे आईजीएसटी के बैलेंस बहुत ज्यादा है, सीजीएसटी के बैलेंस या एसजीएसटी बैलेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने मशीनरी खरीदी हुई है, बल्क स्टॉक खरीदा हुआ है, अरे है ना, और इस बार इस मंथ में मेरा आउटपुट कम है क्योंकि मैंने बल्क स्टॉक खरीद लिया, तो मुझे क्रेडिट ज्यादा हो सकते हैं और मेरा आउटपुट कम हो सकता है। तो सर फिर ज्यादा क्रेडिट हो गए तो बैलेंस का क्या करना, कैरी फॉरवर्ड इन अ नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ में यूज करो। सर हम कितने दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? एन नंबर ऑफ इयर्स, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू कैरी फॉरवर्ड योर आईटीसी। बोलो यस, बोलो एक बार, मतलब तुम्हारे पास क्रेडिट के बैलेंसेस है, कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स। सर हमारे क्रेडिट पड़े हैं तो क्या हम उसका रिफंड ले ले? रिफंड नहीं देती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिफंड नहीं देती, गवर्नमेंट कहती है इसको कैरी फॉरवर्ड करो, पर रिफंड नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट मंथ में यूज करो, उसके नेक्स्ट मंथ में यूज करो, उसके नेक्स्ट मंथ में यूज करो, जब तक आप कैरी करना चाहते कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, कोई डाउट? मूवेबल असेट कहीं मिलता है बेटा? इमूवेबल का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इमूवेबल पे जीएसटी आएगा ही नहीं। समझ में आया क्या? तुमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग तो रियल एस्टेट है, उस पर स्टैंप ड्यूटी लग के आएगी, उसके ऊपर जीएसटी आएगा ही नहीं। जो मूवेबल असेट खरीदी उस पर ही जीएसटी होगा। ओके, तो चल, आई वॉन्ट टू कंक्लूड। क्या हमें इनपुट्स के आईटीसी मिलेंगे? यस। कैपिटल गुड्स के आईटीसी मिलेंगे? यस। इनपुट सर्विस के आईटीसी मिलेंगे? यस। क्या वन टू वन कोरिलेशन लगाना? नहीं। टोटल क्रेडिट ऑफ दैट वन, अगर कोई गुड स्टॉक में भी होगा तो भी आईटीसी मिलेंगे? यस। परचेस के आईटीसी मिलते हैं? इज इट क्लियर? ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा जो डिस्कशन था आईटीसी, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। चल इसके बेस पे फटाफट ये दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ P7। ठीक है, क्रेडिट मिलना मतलब आउटपुट टैक्स में टैक्स एडजस्ट होना, और रिफंड मिलना मतलब कैश में वापस मिलना। कैश में नहीं मिलेगा, आपके आउटपुट टैक्स में ही एडजस्ट होगा। अगर बिजनेस बंद करके दूसरा ओपन करते हैं तो क्या होगा? तो क्रेडिट लॉस हो जाएगा। कैसे डिस्क्लोज करना है अथर्व, ये बाद में देखेंगे। जीएसटी आर वन टू बी, जीएसटी आर थ्री बी हम बाद में देखेंगे। कार का ब्लॉक क्रेडिट है वो सेक्शन 17 में आगे देखेंगे। दनीश, ओके, चलो आ जाओ। मिस्टर संताप जालंधर, सभी क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। मिस्टर संताप जालंधर सप्लाइड गुड्स और सर्विस फॉर ₹20,000 टू मिस्टर गजनी ऑफ हैदराबाद। एक मिनट, संता कहाँ का है? जालंधर का, पंजाब। सेल किसको कर रहा है? गजनी, हैदराबाद। इंटरेस्टेड है ना? एसजीएसटी सीजीएसटी रेट फॉर सप्लाई 9 एंड आईजीएसटी कितना है? 18। ओके, 18%। एसजीएसटी सीजीएसटी रेट दिया भी होगा तो इग्नोर कर देना, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्टेड है। तो आईजीएसटी 18। फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर संता एंड हु इज लायबल टू पे जीएसटी। करो फटाफट लिखो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर संता। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर संता, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस कितना है? 20,000। क्या उसके ऊपर क्या लगाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी।
IGST लगाएंगे ना, तो IGST 50-50 लगाएंगे टोटल, तो IGST एट द रेट 18%, हाँ 3600। सर हमें वो लिखना है कि आपने बताया था, फिर गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, फिर गवर्नमेंट बाय, हमें क्या लेना देना, वो गवर्नमेंट करती बैठेगी, हम तो टैक्स पेयर है, हम सीधा सीधा क्या पे करेंगे IGST, वो तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। इज इट क्लियर? तो चलो, चाहे हु इज लायबल टू पे GST, लिखो मिस्टर संता अ सप्लायर, मिस्टर संता अ सप्लायर, इज लायबल टू पे IGST ऑफ रुपीज 3600 टू द गवर्नमेंट। चलो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। एक नोट दे देते लास्ट इसमें, सॉरी गलती हो गई, लिख लो लिखो ना लायक, हाँ लिखो लास्ट प्रॉब्लम में एक नोट दे देते हैं, लिखो नोट। इन गिवन केस गुड्स आर सोल्ड बाय मिस्टर संता, इन गिवन केस गुड्स आर सोल्ड बाय मिस्टर संता ऑफ पंजाब, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए जालंधर पंजाब में है, ठीक है, ऑफ पंजाब। सर फिर हमें इतने सारे सिटीज के नाम कैसे याद रहेंगे? उनको भी समझ में आता है कि आपको वही सिटी के नाम दो जो याद रहेंगे, नहीं तो एक्चुअली आज तक जब भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने ब्रैकेट में स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर संता ऑफ क्या पंजाब हैव सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर गजनी, स्टेट क्या है? तेलंगाना। मिस्टर गजनी ऑफ तेलंगाना, दैट इज हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना फुल स्टॉप। हेंस इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई and IGST is payable. Chalo. Question number 8. Mr. Chandulal of Surat. Surat pata hai na? Gujarat. Supplied goods or service of 35,000 to Mr. Kamlesh of Ahmedabad. Wo bhi Gujarat mein. Matlab ye kya hua? Intra. मिस्टर चंदूलाल परचेज गुड्स और सर्विस ऑफ 20,000 ऑन विच IGST 1800 एट द रेट 18% पेड एंड परचेज फ्रॉम मिस्टर शाह ऑफ क्या महाराष्ट्र। चंदूलाल ने सेल इंटरा किया, परचेस इंटर किया हुआ है। SGST एंड CGST रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 9% ईच, फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस चार्ज मिस्टर चंदूलाल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इफ GST रेट इज 18%। हु इज लायबल टू पे GST एंड नेट GST लायबिलिटी ऑफ चंदूलाल, नेट GST लायबिलिटी ऑफ क्या चंदूलाल। चलो करो फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर चंदूलाल लिख लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो लिख रहे हो ना पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, अब मैंने आप पे छोड़ दिया है वो। Value of supply of goods or services
35,000। अच्छा चंदूलाल ने किसको बेचा? कमलेश इंट्रा है, ठीक है। तो CGST @9% और SGST @9%। तो क्या आया आपका? 3150 टोटल प्राइस कर लो 41,300। चलो सेकंड क्वेश्चन पूछा, हु इज लायबल टू पे GST? मिस्टर चंदूलाल इज लायबल टू पे GST टू द गवर्नमेंट, लायबल टू पे GST टू द गवर्नमेंट। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नेट GST लायबिलिटी। अब इसको कैसे लिखना मैं बता दूंगा, अब टेबल थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि हमें सबसे पहले IGST, करेक्ट, वेरी गुड। तो हमें लिखना है पर्टिकुलर्स, ये आदत ही लगा लेना। सबसे पहले क्या लेना है? IGST, CGST और क्या? SGST। लिखो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। बताओ चंदूलाल के बिल में क्या लगाया था आपने? नहीं, क्या लगाया था? CGST और SGST। IGST में डैश कर लो, या ऑलवेज अब इसके आगे कोई भी प्रॉब्लम में होगा, IGST हुआ नहीं हुआ तो भी लिखना है सही। ये बिल्कुल आदत लगा लो। इज इट क्लियर? तो IGST डैश, CGST कितना है? 3150। SGST 3150। लेस क्या? ITC और ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई। अच्छा इनवर्ड सप्लाई किससे किया था हमने? क्या IGST था ना? तो ऐसा इनर कॉलम में लिखो IGST और उसका क्रेडिट कितना था उसका? 1800 आ रहा है ना, एक मिनट, नहीं वो गलती हो गया। कितना परचेस किया? 20,000। IGST 3600 कर लो, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, 3600 कर लेना यहाँ पे, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, यहाँ IGST 3600 है। तो आपके पास IGST कितना है? इनर कॉलम में लिखना 3600 क्रेडिट जो है। अब मैं क्रेडिट यूज करना स्टार्ट करूंगा। IGST का क्रेडिट पहले, पर IGST पेबल ही नहीं है तो जाने तो यूज ही नहीं करते। फिर IGST क्रेडिट IGST में नहीं होने के बाद CGST, अरे है ना, और SGST इन एनी प्रोपोर्शन, यानी 3600 पूरा का पूरा CGST के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ले लोगे, यानी लिखना मत कुछ, यानी आप यहाँ पे ओके पूरा आप 3150, इसके लिए बचेगा कितना? 400, ऐसा ले सकते हो, या फिर आप 3150 इसके लिए 400 इधर, या फिर आप 1800। स्टूडेंट के आंसर बदलेंगे, तीनों में मार्क्स आएंगे, समझे? कोई ऐसा करेगा, बट टू मेंटेन हारमोनी इन माई क्लास मैं 50-50 यूज करूंगा, ठीक है, मैं 50-50 यूज करूंगा। तो यहां पे कितना 50-50 ले लेते हैं, 1800 ब्रैकेट में लिखना, क्रेडिट यूज कर रहे हैं, और 1800 इधर, नहीं मिलेगा बेटा उनको, ITC नहीं मिलेगा स्मॉल बिजनेसमैन को जो एग्जम्पशन में है, आगे डिस्कशन करेंगे हम। ओके, तो आपकी नेट GST लायबिलिटी कितनी आ रही है? लायबिलिटी 1350 डन। आई होप आपको समझ गया होगा कैसे। तो अभी आगे का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? आप ITC अंदर लिखोगे,
आईटीसी जो भी है अंदर लिखोगे और फिर एक एक यूज करोगे. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट. होमवर्क नहीं समझेगा नहीं उतना. चलो एक एक बस पांच मिनट बस पांच मिनट. हो गया हो गया. देखो 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 आंखें बंद करो. हो गया हो गया. ओके हो गया. आंखें बंद करो. हो गया. अच्छा P10 ले लेते हैं. P10 P9 बाद में लेते हैं. P9 बाद में लेते हैं. P10 पे आ जाओ. ठीक है P10 पे आ जाओ. डू इट फास्ट. मेसर्स अल्फा लिमिटेड और मैन्युफैक्चर परचेज गुड्स एट इंट्रा स्टेट एज वेल एज क्या इंटर स्टेट लेवल एंड सप्लाई सच गुड्स टू वेरियस डीलर्स एट इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट. मतलब उनका परचेज भी इंट्रा इंटर है और सेल भी इंट्रा इंटर है. क्लियर. डिटेल्स ऑफ बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर. ई क्रेडिट लेजर मतलब आपका ITC एंड लाइबिलिटी मतलब आउटपुट टैक्स. ये आपका ITC और ये आपका आउटपुट टैक्स. आर एस फॉलोज. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में IGST का क्रेडिट आपके पास पूरे टैक्स पेड का मतलब पूरे मंथ का पड़ा हुआ है 50,000. CGST का है ये है आपका ITC और ये है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर मतलब आपका आउटपुट टैक्स. कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी नहीं टैक्स पेबल बाय मेसर्स क्या अल्फा लिमिटेड. चलो करो फटाफट लिखो. सीधा सीधा सिंपल प्रॉब्लम है. कैलकुलेशन ऑफ लिखो. यहाँ जगह है पर एक फ्लो फॉलो करो ना. हमारी प्रैक्टिस बुक है तो उसमें ही ले लो. इधर उधर मत करो. ठीक है प्रैक्टिस बुक में चलने दो. P10 लिखो. कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट GST पेबल. नेट GST पेबल बाय मेसर्स अल्फा लिमिटेड. अल्फा लिमिटेड पर्टिकुलर्स IGST. पहला कॉलम ऑलवेज IGST, दूसरा कॉलम CGST और तीसरा कॉलम SGST. ये दिमाग में ही फिट कर लो. ठीक है. टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई हाँ आपकी लाइबिलिटी दी गई है. कितना दिया है IGST कितना है 20,000. CGST 25,000. SGST 25,000 लेस क्या बेटा ITC लेस ITC. इनर कॉलम में लिखो सारा. IGST कितना है आपके पास 50,000. ऐसा हो सकता है कि आपके ITC आपके आउटपुट से ज़्यादा हो. हाँ हो सकता है. हो सकता है कैपिटल गुड्स हो गए. हो सकता है इनपुट सर्विस हो गए. अरे है ना स्टॉक पड़ा होगा. इज इट क्लियर. तो IGST 50,000. CGST कितना है 25,000 और SGST 25,000. चलो क्रेडिट यूटिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं. शुरू हो जाओ मेरे साथ. IGST का क्रेडिट ले लेते हैं 20,000. ले जितना रिक्वायर्ड है ले लिया. अरे है ना. अब बैलेंस बचा हुआ है. अब यहाँ थोड़ा बदलूंगा. समझ में आते हैं. यहाँ थोड़ा हम बदले मतलब तुमको दोनों टाइप के प्रॉब्लम मिल जाएंगे. यहाँ पहले पूरा CGST में कितना बैलेंस है मेरे पास 30,000 है ना. तो पूरा 25 इसके लिए ले लेता हूँ और 5 इधर ले लेता हूँ. ये गलत नहीं है. आप 50-50 भी कर सकते हो. आपकी मर्जी. इज इट क्लियर. पर मैं दोनों वेराइटी प्रॉब्लम दे देता हूँ आपको. चलो पूरा IGST पूरा खत्म हो गया. फिर क्या लेंगे CGST. CGST का क्रेडिट पहले पहले CGST पहले क्या CGST में पर रिक्वायर्ड ही नहीं है और IGST में भी रिक्वायर्ड नहीं है. अरे वाह अच्छी बात है. अच्छा SGST का तो कहीं रिक्वायर्ड ही नहीं है.
मैंने ऐसा क्यों किया डैश डैश क्रॉस? इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें सास बहू की पटती नहीं है। समझ में आया क्या? सास उसके बाद में SGST का क्रेडिट, SGST में यहाँ रिक्वायर्ड है कितना? 20,000। यहाँ 20,000 रिक्वायर्ड है, यस और नो? फिर SGST यहाँ तो पटती नहीं है SGST में, और IGST में रिक्वायर्ड नहीं है, तो निकाल लो। नेट GST लायबिलिटी नील, नील, नील। नीचे लिखो ITC टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये समझ में आ रहा है ना? नीचे लिखो ITC टू बी कैरी फॉरवर्ड, नीचे लिखना CGST 25,000, ITC टू बी कैरी फॉरवर्ड, CGST 25,000 और SGST 5,000, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, आप बाद में ये लेक्चर देखने वाले, तो लाइक करिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए, और आपको कितना समझ में आया आप बताइए। ओके, और यहाँ पे कल का सेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी बंधनों को तोड़ के आना है। सो बाय, बोलो बच्चों, कल मिलते हैं। तो यहाँ पे कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7:50 शार्प, ठीक है? और जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, वो अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अपना ऑर्डर आईडी, और अपना अगर टेक्निकल कोई इश्यू होगा तो ऑर्डर आईडी और प्रेफरेबल टाइम। पीयूष ऑर्डर आईडी डाल दो और आपका प्रेफरेबल टाइम डाल दो। P9 सेकंड पार्ट, P9 तो पढ़ाया नहीं ना बेटा मैंने, P9 कर लूंगा, P9 कर लूंगा, P9 आई विल टेक टुमारो। आई कांट सी माई ऑर्डर ऑनली इन, बेटा आपका ऑर्डर आईडी, आई कांट सी माई ऑर्डर, तो फिर आपका मोबाइल नंबर दे दो मेरे, तो कैसे कोऑर्डिनेट करूँ? सर तो टोटल इनपुट तो टोटल आउटपुट का कब सेटअप कर देंगे उसका? नहीं समझा बेटा, टोटल इनपुट को टोटल आउटपुट, हम इनपुट आउटपुट नहीं कर रहे, हम तो क्रेडिट ले रहे हैं ना, हम तो क्रेडिट ले रहे हैं बेटा। हाँ तो परचेस किया तो टैक्स भरेगा, तो उसका क्रेडिट ले रहा है ना चंदूलाल मुत्तू स्वामी से, उसने परचेस किया तो वो सेटअप ले रहा है उसका। नहीं मुत्तू स्वामी लायबल नहीं है, बर्डन वो लेगा, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? तो गवर्नमेंट तो चंदूलाल ही पे करेगा ना बेटा। सर जैसे मोबाइल खरीदते हैं जिसमें GST क्रेडिट मिलता है, तो वो बिजनेस के लिए एडजस्ट होता है? लोग लेते हैं बेटा, लोग कहते हैं ये बिजनेस के लिए है, जबकि वो पर्सनल के लिए भी होता है, पर मोबाइल का क्रेडिट ले लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड नहीं समझा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब बैलेंस नेक्स्ट मंथ में यूज होगा, कावेरी कैरी फॉरवर्ड मतलब बैलेंस नेक्स्ट मंथ में यूज होगा, हम नेक्स्ट मंथ में उसको ओपनिंग बैलेंस बताएंगे। मेन तक हो जाएगा बेटा, मुत्तू स्वामी पे तो मुत्तू स्वामी, हमें चंदूलाल का बताना है, मुत्तू स्वामी का नहीं बताना है। मुत्तू स्वामी का होगा तो मुत्तू स्वामी का बताएंगे, पर गिवन केस में टैक्स पेयर चंदूलाल है। चलिए क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, पहले IGST को खत्म करो, पहले IGST को खत्म करो,
आईजीएसटी पूरा खत्म होने के बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज होता है। हमने लिखा फर्स्ट कंप्लीट यूटिलाइज आईटीसी और आईजीएसटी। हाँ आईजीएसटी खत्म नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होगा। स्टॉक पे नहीं, स्टॉक पे नहीं, ऑल परचेसेस। हाँ नहीं रिवर्सल नहीं, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। एक्सक्लूड क्रेडिट ले रहे हो तो एंट्री कैसी होती है? परचेस अकाउंट डेबिट, आईटीसी क्रेडिट रिसीवेबल, हाँ तो एक्सक्लूड होगा। क्रेडिट नहीं मिला तो इंक्लूड होता है कॉस्ट। नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए पर अब कैसा है लोग लेते हैं कि भाई मैंने ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ, बिजनेस के लिए भेज रहा हूँ तो लेते हैं। नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए, नॉर्मली नहीं, पर तू एडजस्ट कर सकता है। ठीक है सर, बहुत मज़ा आ रहा है जीएसटी में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस यस, जीएसटी पोर्टल का प्रैक्टिकल बताओगा बेटा? यस, वो दिशांत मैं बताऊंगा। लोकल ऑथोरिटी को क्या होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स वो मिल रहा है और जो एसजीएसटी का कलेक्शन होता है उसमें से पैसा लोकल ऑथोरिटी को बांटते हैं महक, यानी एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसमें से लोकल ऑथोरिटी को जाता है। अनलिमिटेड सीक्वेंस यही होना चाहिए, कंपल्सरी सीक्वेंस यही होना चाहिए। पहले आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट होगा, ठीक है, बाद में ही सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलिए आप अपने डाउट्स, आपको जो भी ऑर्डर आईडी डालना है वो डाल सकते हो। सर ऑक्ट्राय तो मिलता ही होगा, ऑक्ट्राय खत्म हो गया ना बेटा? ऑक्ट्राय एलबीटी खत्म हो गया, जीएसटी ही लगता है, बाकी सारे टैक्सेस खत्म हो गए। नहीं नहीं नहीं, आपका कैरी फॉरवर्ड अलग अलग हो सकता है पार्थ, क्योंकि आप आईजीएसटी जो 50-50 यूज़ करोगे, फुल यूज़ करोगे, उसके बेस पे आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है बेटा, जयपुर ऑफिस को ट्राई करता हूँ तुषार। सारे सब्जेक्ट में दो और भी बहुत लगते हैं, बट जीएसटी में टाइम किधर चले जाता है पता नहीं चलता। थैंक यू बेटा। क्लासरूम वाले बच्चे अगर थोड़ा साइलेंट रहेंगे तो साउंड अच्छा आएगा। थैंक यू बेटा, चलो।